पटलाल, हमारा दरवाजे पे आज तक बस नहीं रुका, ये लंबा चौड़ा गाड़ी किधर से आ गया? कोई किसी का एड्रेस पूछने आया होगा, अभी क्लियर कर लेते हैं। कहीं ये वही राइटर तो नहीं है जिसको फोन लगाया था मर्सिडीज में? सर जी, जब आपका फोन आया मैं चाय पी रहा था, माँ कसम आधी कप चाय छोड़कर चला आया। जी मैं राइटर हूँ, सर कैसे याद किया इस नाचीज को? नाचीज? अरे तुमको मालूम नहीं तुम क्या चीज है? क्या लिखा है तुमने? क्या लिख दिया? अरे तूने क्या लिखा है तेरे को खुद को नहीं मालूम है यार? ऐसा क्या लिख दिया मैंने सर? अरे फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, टेरिफिक। अब दुनिया के पहले डायरेक्टर जिसको मेरी स्क्रिप्ट समझ में आई है, वरना आज तक मुझे किसी ने घास तक नहीं डाली। अरे सब गधे होंगे, गधा क्या जाने जाफरान की कदर। लेकिन अब तू फिक्र मत कर मेरे लाल, अब तू असली जोड़ी के पास आ गया जो हीरे की कदर जानता है। आग लगा दूंगा मैं। किसको? स्क्रिप्ट को या इनको? क्या बदमाशी कर रहा है? क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए। तू अंदर जा। नहीं, बोलिए, बताइए। देखो आप लगा दिए, उनको डांट दिया मैं, आपको नहीं भाई साहब। सर जी क्लियर कीजिए, क्या? चल चल चल। देखिए क्लियर नहीं किया अंदर चले गए, गलत बात है ना? अब सर ये सारी फिल्में आपने देखी है यार? 10-10 बार देखी है। अरे यार कोई ऐसे थोड़ी ना डायरेक्टर बनता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये आपकी पहली फिल्म? अरे ब्रांड न्यू है, पहली पिक्चर है, फर्स्ट वेंचर है। अगर बन गई तो? अच्छा सर, इसमें एक्टर कौन होगा? एक्टर? अभी एक्टर का ऐसा है मुझे सुठो पुट। हाँ, अरे यार तेरा स्क्रिप्ट में इतना नयापन है कि कोई पुराना स्टार तो इसमें जमेगा ही नहीं ना। और पुराना कोई काम भी नहीं करेगा। सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। अब क्या है कि तू राइटर नया है, मैं डायरेक्टर नया है ना? हीरो नहीं। ये कैसा टॉर्चर है यार। अरे सब कुछ नया ही नया है भाई, पब्लिक भी नहीं। अरे क्या बकवास करता है, कुछ तो पुराना रहने दे यार। अरे नहीं नहीं, इनका कहने का मतलब है कि सब नए तो पब्लिक ना आए। नहीं, भूल कर रहा है मुझे वो सुट्टे पुट्टे। याद रख, हर पुराना डायरेक्टर एक दिन नया था। अरे ऐसा फैंटास्टिक स्क्रिप्ट और ऐसा डायनामिक राइटर होएगा ना तो आग लगा दूंगा मैं। किसको? फिल्म को, थिएटर को, ऑडियंस को, किसको? क्लियर। अरे तू बीच में क्यों बोलता है यार? देखता नहीं मैं उसके साथ बात करता है, काम का बात करता है, मीटिंग करता है। सर आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप लोग मुझे इस फिल्म के लिए देंगे क्या? अरे यार टाइटल में इतना बड़ा नाम दूंगा यार, वो भी इंडिपेंडेंट। बोल क्या नाम रखना पसंद करेगा तू? नाम तो मेरा शेर सिंह है वैसे। अरे वाह क्या बात है यार। और मैंने पर्दे के लिए शेखर भी सोचा था। अरे वो भी अच्छा है यार। अच्छा। मगर फिलहाल मुझे कुछ पैसों की तकलीफ थी। देखा मजाक करता है, इतना बड़ा गाड़ी में घूमता है, पैसा मांगता है क्यों? ओ सर मुझे लगता है आपको गलत फहमी हो गई है, दरअसल मेरे पास रिक्शा के पैसे नहीं थे इसलिए मैं गाड़ी में आया हूँ। अरे ओ, अब क्लियर हो? नहीं, मैं और क्लियर कर देता हूँ। मैं कार सर्विस सेंटर में काम करता हूँ, ये कार मेरे मालिक की है। अरे समझ गया समझ गया, छोकरा बड़ा चालाक है, किचन चलाने के लिए नौकरी भी करता है। वाह वाह वाह, किचन तो। अरे चुप कर। वैसे एक बात बता यार पोपट, अपना फिल्म इंडस्ट्री में राइटर को मिलता ही क्या है? कुछ नहीं, नहीं कुछ तो मिलता ही होगा यार। तू मेरा शूटिंग पे आएगा तो तेरे को खिलाए पिलाए बगैर थोड़ी ना भेजेगा मैं। नहीं, मैं समझ गया हूं, नहीं पता लग गया। नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे पता लग गया आप लोग फेक टाइप के। देखो देखो, मेरे सपनों को तोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। अरे इतना बड़ा मौका मिला है और इतने अरसे के बाद तो इस ऑफिस में खुशी नजर आई है। देखो अरे सुनने, ये मेरे करियर का सवाल है। प्लीज प्लीज प्लीज। देखो मैं तुम्हारा दुख अभी भी समझाऊं, लेकिन उसके लिए मैं अपनी स्क्रिप्ट कैसे दे दूं? अरे ऐसे यार। अरे चढ़िया तू तो नाराज हो गया, मैं मजाक कर रहा था। तू चेला रमानी को जानता नहीं है, पैसे वैसे सबका बंदोबस्त है। बोल कितना पैसा लेगा तू? कम से कम 50,000 तो लूंगा मैं। दिया। ब्यूटी टॉर्चर शेखर। शेखर। हाँ जी। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? नहीं घबराया हुआ नहीं हूँ, दरअसल वो क्या है कि मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है। वो अगर आपके साथ मुझे देख लेगी तो सोचेगी तो मैं लफड़ा कर रहा हूँ। गड़बड़ हो जाएगी? नहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरी शाम खराब हो जाएगी। अरे तो तुम उसे कह सकते हो ना कि मैं तुम्हारी फिल्म की हीरोइन हूँ। ऐसी बात नहीं, दरअसल मैंने उसको बताया नहीं कि मैं फिल्म लाइन में काम कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चलती और ये हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं बड़ी लो बजट फिल्म है। अब पता नहीं रब भला करे फिल्म लाइनर। नहीं शेखर ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो शेखर, हमारी फिल्म चलेगी। अरे चलेगी क्या, दौड़ेगी। अगर अगर पीछे चल गई ना तो मैं बाद में उसको बता दूंगा, मगर फिलहाल हम लोग बाद में मिलेंगे तो कैसा रहेगा? मतलब शेखर आखिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से इतना डरते क्यों हो? दरअसल मैं उसे खोना नहीं चाहता, लाखों में एक है वो। उसकी तारीफ में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शबाब आपका नशे में खुद चूर चूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। How sweet. बात सिर्फ प्यार की नहीं, शादी करना चाहता हूँ।
शादी मुबारक हो। थैंक यू। निशा, मेरा मतलब कि मैं शादी की बात, मैं इसकी और मेरी शादी की बात कर रहा था। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर रहा था, इसकी और मेरी शादी की नहीं। मिलवाओगे नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? मेरी दोस्त है। क्या? मेरा मतलब कि मेरे बॉस के कस्टमर है, उनसे कार खरीदती रहती है। अगर कस्टमर है तो इतने घबराए हुए क्यों? कौन घबरा रहा, क्या बकवास करी तुम? अच्छा ठीक है, ये लो राखी। बांधो। ये क्या मजाक है? ये बड़ा ही सीरियस टाइप का मजाक है। What nonsense? 40 से बंधवा चुका हूँ, तुम 41वीं हो। No way, शेखर। माना, माना कि मेरा और तुम्हारा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपनी भाई की नजर से नहीं देखा। टॉर्चर। राखी? No way, शेखर। No way। अरे तुम रो क्यों रही हो? मदन बलदेव, देख जहर खा लिया इस बेवकूफ लड़की ने। मदन, बेवकूफी का दूसरा नाम ही तो प्यार है। You take it easy, यार, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ कैसी है? चोपड़ा जी, जहर का असर अभी भी है, इलाज चल रहा है। अच्छा यार, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर उस फुटपाथिये ने निशा पर कैसा जादू चला दिया है कि मेरी बेटी ने उसके डॉक्टर डॉक्टर अब कैसी है वो? घबराने की जरूरत नहीं है, वो खतरे से बाहर है। थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच, इट्स ओके। अब देखता हूँ उस कमीने को, छोड़ूंगा नहीं उसे, जेल करवा के रहूंगा। पापा आप समझाइए ना, गुस्से से तो बात और बिगड़ जाएगी। मदन, आग पर कभी घी नहीं छिड़कते, उसे ठंडा होने देते हैं, फिर प्यार से उस पर पानी डालकर बुझा देते हैं। क्या मतलब? देख, अगर ऐसे दो चार झगड़े होंगे ना तो निशा अपने आप उस फुटपाथिये से नफरत करने लगेगी, और जैसे ही निशा के दिल में नफरत पैदा हुई, अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर देना, सिंपल। इस तरह बदनाम होती रही तो कौन सा अच्छा लड़का उसका हाथ थामेगा? आपके ये दोस्त कब काम आएंगे? इनका विकी शादी करेगा हमारी निशा के साथ। क्या? हाँ बदन, विकी बहुत प्यार करता है निशा से, इसीलिए तो अब तक कुंवारा बैठा हुआ है, वरना कब के फेरे ले चुका होता और मेरी गोद में पोते पोतियां खेल रहे होते। एक्सक्यूज मी अंकल, मैं जरा निशा से मिलाऊं? हाँ हाँ जरूर। निशा, साथ जीने का ना सही, साथ मरने का मौका तो दे ही सकती हो ना। विक्की, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं शेखर से प्यार करती हूँ। निशा, लेकिन तुम मुझे एक तरफा प्यार करने से नहीं रोक सकती। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुमने ये जहर खाया कैसे? चूहे की मौत मरने चली थी? मरना कौन चाहता था, मैंने तो सिर्फ शेखर को डराने के लिए लिया था, लेकिन गलती से थोड़ा ज्यादा हो गया। राखी बांधिए। एक मिनट। बस खुश। निशा तुम क्या समझती हो, शेखर तुमसे डर कर मुझसे राखी बनवा रहा है? ये शेखर है ना, ये तुमसे बहुत प्यार करता है निशा, और इसीलिए तुम्हारी हर उल्टी सीधी जिद पूरी करने की कोशिश करता है। एक बात कहूँ, प्यार विश्वास है, भरोसा है, इतना शक अच्छा नहीं होता निशा। अगर सचमुच शेखर से कोई गलती हो गई ना तो वो तुम्हें आके कभी नहीं बताएगा। क्या? बताऊंगा मैं। I will tell you. इतना बड़ा भाषण किस हैसियत से सुना गई मुझे? 41वीं की हैसियत से, बहन नंबर 41। चेला रवानी जी कहाँ आ गए हम लोग? ये स्वामी त्रिलोकानंद जी का आश्रम है। अरे पता है ये स्वामी जी क्या हस्ती है? अरे अगर ये हमारा मुहूर्त में आने को तैयार हो गया ना तो इतना बड़ा न्यूज बन जाएगा कि आग लगा दूंगा। और ईश्वर कहते हैं कि हम दो नहीं एक हैं,
और हमारे स्वामी जी, स्वामी जी। अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे खड़े हो जाओ भाई, मेरे पैर छोड़ो। नहीं 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 स्वामी जी, जब तक आप हमारा मुहूर्त के लिए हाँ नहीं बोल देता ना, हम ऐसे ही पड़ा रहे। अरे अरे चेला रवानी भाई, समझो मैं ऐसे कार्य में उपस्थित नहीं रहता, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये लो ये प्रसाद, ये प्रसाद है, ये खाओ, ये लो ये लो। स्वामी जी ये मेरा राइटर है शेखर। अरे क्या कमाल का लिखता है। विधाता ने भी इसके भाग्य की बड़ी रसिक कहानी लिखी है। बहुत जल्द ही इसकी दो दो शादियां होने वाली हैं। अरे वाह वाह क्या बात है यार, मुबारक हो। क्या मुबारक बात है आप देखो ठहरिए। अरे स्वामी जी देखिए, जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूँ ना, वो तो किसी पराई लड़की की छाया भी मुझ पर पड़ती है तो जमीन आसमान एक कर देती है, और मैं उसके अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये विधाता ने सोचा है बेटे, और जो वो सोचता है वो जरूर होगा। नहीं नहीं जी नहीं जी नहीं, लड्डू खाओ। नहीं नहीं, दो दो शादियां होंगी। राम सिंह बिट्टू को बुलाओ जल्दी। जी सर। अरे कहाँ चले गए थे तुम? क्या हुआ? गांव से तुम्हारी माँ का फोन आया था। क्या कह रही थी? कुछ तुम्हारी बहन के बारे में बोल रही थी, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम फौरन गांव पहुँचो। अरे यार कमाल करते हो, माँ का फोन आया था, बहन के बारे में कुछ कह रही थी, और तुमने मैसेज पूरा नहीं लिया। दोबारा मेरे साथ ऐसे किया ना तो मैं तुम्हारी कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कोई ऑपरेटर नहीं। और देखो लाइन खराब थी, फोन कट गया तो मैं क्या करता? ओ यार तू गाँव में फोन क्यों नहीं कर लेता? अरे यार कमाल करते हो, मेरे घर में फोन नहीं है, घर तो छोड़ो मेरे मोहल्ले में फोन नहीं है, और तो और मेरे गांव की ग्राम पंचायत में एक फोन है जो हफ्तों नहीं चलता। इससे पहले कि मेरा फोन वहां पहुंचेगा मैं खुद गांव पहुंच जाऊंगा। भैया, माँ, देखो देखो भैया आ गया। शेरू पुत्र ले पकड़, बिल्कुल टाइम पे आ गया है। माँ पहले पहना। जुंदर है, जुंदर है। माँ क्यों हो रही है? क्यों? हमारी छुटकी की सगाई होने वाली है। हमारी छुटकी का ब्याह हो रहा है? वाहे गुरु ने हमारी सुन ली, आखिर खुशियों का हमारे घर का पता मिल गया। छुटकी छुटकी कल तक गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचने वाली हमारी गुड़िया का ब्याह हो रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ। माँ माँ इधर आना, ये दूल्हा कौन है? तू सुनेगा तो तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हाँ? किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं हो रही तेरी बहन की शादी, बहुत बड़े घर का लड़का है। पर वो है कौन? अपना कलेक्टर जी है ना। हाँ? उनका बेटा हरप्रीत। हरप्रीत छुटके से ब्याह कर रहा है? हाँ, अपनी बहन स्वीटी के खुशी के खातिर। स्वीटी की खुशी के खातिर? हाँ, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। मुझसे प्यार करती? कलेक्टर साहब आए थे उसका रिश्ता लेकर तेरे लिए, तब मैंने पता चला कि स्वीटी तो बचपन से तुझे चाहती है, वो तो दीवानी है तेरी। पर मैंने तो उनसे साफ कह दिया, क्या हमारे घर में तो कुंवारी बेटी बैठी है, जब तक उसकी शादी नहीं होती मेरा पुत्र शादी के लिए सोचेगा भी नहीं, और आप तो जानते हैं कि छुटकी की शादी होना कितनी मुश्किल है। तब हरप्रीत ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं करता हूँ आपकी छुटकी से शादी। मैं तो सुनकर हैरान हो गई, फिर सोचा तो समझ में आया, अपनी बहन की खुशी की खातिर अपनी खुशियों को हंसते हंसते लुटा दे, इसी को तो भाई कहते हैं। देखो जमीन पे आराम से पैर रखना, कहीं पैरों की मेहंदी खराब ना हो जाए। अरे ये मेहंदी का रंग तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा, कलेक्टर साहब की घर शादी हो रही है, राज करेगी राज। अच्छा। अरे पुत्र तू एकदम चुप सा हो गया? ऐसी कोई बात नहीं माँ। देख पुत्र तुझे पूछे बिना मैंने तो उन लोगों को हाँ कह दिया है, मैंने तो घबराहट हो रही थी कि अपनी छुटकी की शादी होगी या नहीं, और तेरा भी तो भला ही हो रहा है, स्वीटी भी तो बड़ी अच्छी लड़की है, मेरे इस फैसले से तो खुश तो है ना पुत्र? मैं खुश हूँ। अरे बहन की शादी तय हुई है, अब इसे रोना धोना शुरू कर दिया, अपनी बहन से बड़ा प्यार करता है मेरा काका। ठका इतना क्या सोच रहे हैं ठकराल साहब, चाल चलिए। सोच रहा हूँ ये कैसी चाल चल दी तुमने, हाथी तो सीधा चलता है बरखुरदार, इसे तुमने आड़ा टेढ़ा चलाकर मेरे बादशाह के सामने कैसे खड़ा कर दिया? ये मत भूलिए ठकराल साहब, हाथी भी एक जानवर है, और मुसीबत के वक्त जानवर कैसे भी चल सकता है।
झकास। दीदी, दीदी। ऐसा तो आदमी लाइफ में दो ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो या शादी का न्यूज हो। रब्बा, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी तो मेरी तो डेथ हो जाएगी। दीदी, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। ओए, हो गई डेथ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौरा ध्वजा मंगलम सुंदरी का चाय मंगलाय तनोहरी। और कन्या एक दूसरे को हार पहना दीजिए। वर कन्या एक दूसरे को हार पहनाइए। वर कन्या को हार पहनाइए, पहनाइए। शेरू, हार पहना। अरे पहना पुत्र। हाँ। अरे, 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 अरे ये क्या हो गया? अरे और मैं देख रही थी इसको तो कब से चक्कर आ रहे थे। है? मैं कहा हूँ? मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि मैं कहा हूँ? ओजी, तुसी मेरे साथ हो, क्या हो गया था अचानक? वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? वही जो हो गया है। तुसी कैसी बातें कर रहे हो? वही जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। खैर क्यों कर रहे हो? मुझे क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। जा कितने रहे हो? हाय, मैंने कितने रंगीन सपने सजाए थे इस रात के लिए। मगर मैंने तो आज रात को सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है। ओ यार, ये चक्कर क्यों आ रहा है? ओए, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? ओजी, ओए, वो चक्कर क्यों आ रही है? ओजी, तुसी लेट जाओ। ओए, 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 ये क्या कर रही है? ओजी, आपकी सेवा कर रही हूँ। ओए, मत कर सेवा। ओजी, अब तो जीवन पार का साथ है, वो उठी हूँ तुम्हारी सेवा करने से नहीं रोक सकते। हाँ। मत कर सेवा। ओजी, तुसी लेट जाओ। ओए, सेवा मत करो। ओजी, आपको बार बार चक्कर क्यों आ रहा है? मत कर सेवा यार। ओजी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। तुझे नहीं पता ओजी, आप अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? इश्क मैनु इश्क हो गया, शाबा मैनु इश्क हो गया। खबर हुई ना पता चला के, खबर हुई ना पता चला के, दिल बिच कैसे मिक्स हो गया। इश्क मैनु इश्क हो गया, शाबा मैनु इश्क हो गया।
में मिक्स हो गया इश्क इश्क में इश्क हो गया इश्क इश्क में इश्क हो गया इश्क का जादू जब चल जाए आशिक तो फिर मौज मनाए जादू जब चल जाए आशिक तो फिर मौज मनाए बल्कि ये जिंदगानी मेरी जिंदगी दे बिच फिक्स हो गया क्या कर दिया मैंने क्या मेरे गले लग रही है गले पड़ गई है क्या कर दिया मैंने ये मेरे बाप मैंने क्या कर दिया हफ्ता भी नहीं हुआ शादी को इतनी भी जल्दी क्या थी हाँ भैया कुछ दिन और रुक जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी तू नहीं जानती छुटकी तूफान इधर आ जाएगा क्या तूफान और मेरा बोलने का मतलब है कि वहाँ के लोग तूफान मचा डालेंगे और बहुत सारे काम अधूरे छोड़ के आया हूँ ना मैं अरे बेटे यही कोई काम शुरू कर लेना रब का दिया सब कुछ तो है अपने पास और शहर में रखा ही क्या है आप नहीं जानती ताई जी जो शहर में रखा वो शहर में रह जाए ना उसी में हम सबकी भलाई है और मेरा बोलने का मतलब है कि शहर में रखे हुए मेरे ढेर सारे सपने और इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है वो मेरा राइटिंग का शौक है ना हाँ तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया वो भी तो पूरा करना है अरे पुत्र अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो स्वीटी और अपनी माँ को साथ क्यों नहीं ले जाते नहीं इतना बड़ा भी नहीं है और प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है हुआ तो नहीं है ना पता नहीं कब शुरू माँ की आवाज आ रही कहीं से अरे मैं बोल रही हूँ कब शुरू होगा तेरा ये काम 5 साल से सुन रही हूँ माँ तेरा और तेरे काके का नसीब अच्छा है जो 5 साल में काम शुरू हो रहा है वरना तू नहीं जानती ये फिल्म लाइन के सपने है ना ये बड़े लंबे चलते हैं अच्छा तो मैं चलता हूँ राइटर को पड़ता है वरना हिंदी फिल्म में आजकल हिंदी किसको आती है ओजी जब सीन समझाने जाओ ना तो ऐसे क्लीन शेवन मत जाना थोड़ी ना क्यों दाढ़ी शाड़ी बढ़ा लेना और थोड़े बाल शाल पे खेल लेना और थोड़े ना पुराने स्टाइल के बिना इस्त्री वाले कपड़े पहन लेना ओ क्यों मुझे किसी हीरोइन का दिल आप पे आ गया तो हाय रब्बा मेरी तो डेथ हो जाएगी ओ इनोसेंट पानी दूं और चुप करा ओ जी सॉरी जी मैंने तो आपका दिल दुखा दिया नहीं यह गल नहीं है तुसी रो मत जी तू मेरे दिल को नहीं समझेगी मेरे दिल में ना वायलेंस है ड्रामा है इमोशन है तू नहीं समझेगी अच्छा तू हीरोइन की चिंता मत कर मैं संभाल लूंगा हीरोइन को अच्छा नहीं नहीं रहूंगा रोना नहीं हां नहीं मैं नहीं रहूंगा चला हां जी ओ जी रोना मत जी नहीं मैं नहीं रहूंगा रोना मत अरे वाह 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 मजा आ गया यार मजा आ गया अरे बारात का शॉट तो कमाल का मिल गया यार और वो जो घोड़े पे गधा आया ना उसका तो क्लोजअप भी ले लिया मैंने अरे क्या बात है क्या बात है अरे बेबी एक काम कर अब किसी तरह तू मंडप में घुस जाता कि थीरे फेरे का शॉट भी मैं ले लूंगा एक मिनट बोल सर जी अगर पार्टी को मालूम हो गया ना कि हम उनके मंडप में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो वो लोग शूट कर देंगे अरे यार पनवती नगर के मनोज कुमार शकल बुरी है बात तो अच्छी किया कर कभी कभी तू जूते पड़ेंगे तो क्लियर क्या बोला नहीं कुछ नहीं जा अरे चला हमारी थी अरे यार ये निशा क्या पापा ने अपना बंगला शूटिंग के लिए भाड़े पर देना शुरू कर दिया बड़ी शूटिंग हो रही है इनकी औकात है क्या बंगला भाड़े पे लेने की अरे मुआ चुप भी करेगा तू ये हो क्या रहा है एक्चुअली शेखर यहाँ पे असली शादी हो रही है अरे शादी हो रही है इसकी अरे यार कुछ समझ नहीं निशा क्या कर रही हो रुक जा वरना मैं गोली मार दूंगी सुनो सुनो बेटी रुक जाइए पापा वरना मैं अपने आप को गोली मार दूंगी नहीं नहीं निशा बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया मैं विकी से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी
मेरी बात सुनो बेटी, विकी बहुत अच्छा लड़का, तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। नहीं रहना है मुझे खुश, शादी मैं शेखर से ही करूंगी। निशा, शेखर का कोई पता ठिकाना नहीं है, वो तो तुम्हें धोखा देकर भाग गया है। निशा, ये क्या कर रही हो तुम? शेखर, तुम आ गए। पापा जबरदस्ती मेरी शादी विकी से करा रहे थे। पापा, आपकी दिल की तमन्ना थी ना कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो। शादी होगी, जरूर होगी, लेकिन मेरी पसंद से। शेखर, हम लोग इसी वक्त शादी करेंगे। इस वक्त? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। हाँ हाँ बेटा, अब जल्दी बैठ जाओ मंडप में। ये क्या बात कर रहे हो मदन, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे तुमने तो विकी के साथ दिशा की शादी तय की थी। हाँ, मैंने तय की थी ना, अब मैं ही तोड़ रहा हूँ। प्लीज बेटा बैठ जाओ मंडप में। अंकल, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे मैं तो समझाने के लिए आया हूँ, कुछ बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारी। निशा, तेरी यही प्रॉब्लम है कि तुम कभी कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। अरे यार, इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, कम से कम 100 तक तो गिनो। 1। और मैं यार तो क्या बताऊं तुमको, कैसे बताऊं मैं तुमको, तुम जरा साइड में आओ, तुमसे गल कर लूं मैं यार। 2। अरे यार, चेला रामाने जी अंदर की बात समझाओ उसको। मैं क्या समझाऊं, तू अपने आप को क्यों नहीं समझाता यार? बेटा तुम जानते हो निशा कितनी जिद्दी है, ये गोली मार लेगी अपने आप को, मान जाओ प्लीज। अरे यार ऐसे कैसे गोली मार लेगी यार? निशा मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तू मेरी गल सुन ले, तू मेरी बात सुन ले पहले। निशा मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। क्या कह रहे हो तुम, क्यों नहीं कर सकते? प्यार करते हो ना मुझसे? नहीं नहीं, प्यार तो मैं करता हूँ, मगर निशा मैं तुझसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ यार। राव साहब, वो गोली मार लेगी, लफड़ा निशा। नहीं मैंने, नहीं नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं नहीं बोल रहा हूँ मैं। 3। नहीं 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 You know? Come on, come on. Yes. अरे, अरे लड़का आ रहा है। ये बाप रे बाप रे। शेखर, अरे क्या हो गया? शेखर, शेखर होश में आओ। शेखर, क्या? शेखर, क्या? चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। ब्याज, ब्याज। शेखर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं देख रहा था, कब से देख रहा था। बहुत देर से चक्कर आ रहा है। शेखर, जी, ये तुम क्या कह रहे हो? ये बात तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताई? क्या बात कर रहे हैं आप? पहले क्यों नहीं बताई? पहले क्यों नहीं बताई? बार बार मैं बोल रहा था कि कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहा हूँ। वो क्या था? अभी हाथ में पिस्टल लेकर खड़ी हो गई सर के ऊपर, और अभी कहने लगे कि पुत्र बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बोलकर बिठा दिया मंडप के अंदर। मैं तो खड़ा का खड़ा रह गया ना। अंकल, हुण मेरा की होगा? देखो बेटा, मैं सब संभाल लूंगा, बस अभी निशा से कुछ मत कहना। और अभी क्या, मैं तो कभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन क्या है कि पहली रात वाले दिन बात साफ हो जाए ना, तो अगली सारी रातें बहुत साफ सुथरी गुजरती हैं। नहीं अंकल जी, आप प्लीज उसको टेल हर एवरीथिंग यार। नहीं नहीं बेटा, नहीं। देखो बेटा, निशा को कभी प्यार नहीं मिला। हाँ जी, आई नो। बचपन में माँ चल बसी, और मैं सारी जिंदगी बिजनेस में उलझा रहा। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे ही प्यार की खुशी है उसके पास। आई नो। वो सब कुछ बांट सकती है बेटा, तुम्हारा प्यार नहीं बांट सकती। आई नो। अरे यू नो दैट, व्हाई आर यू बैठ रहे हो? जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। अंकल जी प्लीज संभाल लेना आप। हाँ, प्लीज संभाल लेना। हाँ, 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 मैं सब संभाल लूंगा। राव साहब, आपके फेस में वो कन्विक्शन नहीं लग रही संभालने वाली। नहीं, क्या बात कर रहे हो, दिन हो या रात, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ यार, दिन और रात मैं संभाल लूंगा, तू सिर्फ बात संभालना। हाँ, मुझे सिखाना चालू आदमी को। क्या बात है, मैं तेरे दिन रात नहीं संभाल लूं? यार समझता हूं आपको, पर राव जब तक मैं निशा को नहीं बताऊं, ये बात किसी और को नहीं पता चले। नहीं सर, नहीं पता चलेगा। हाँ? आपकी ये डायरी लिखने की आदत भी अजीब है। अभी अभी मुझसे कह रहे थे कि किसी को कुछ बताना मत, और खुद ही लिख रहे हैं। विक्की, तुम यहां क्या कर रहे हो? निशा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें डोली में बिठाकर इज्जत से अपने घर ले जाना चाहता था, मगर तुमने, कोई बात नहीं होता, भले ही मेरी बारात खाली हाथ लौटी, लेकिन मैं तुम्हें पाकर रहूंगा निशा।
विकी तुम होश में तो? हाँ, मैं होश में हूँ। विकी मैं होश में हूँ निशा। विकी स्टॉप इट। नहीं। स्टॉप इट। मेरियो। मेरियो। ना विकी। मेरियो। विकी स्टॉप इट। निशा तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। चलो, चलो मेरे साथ में करो। विकी स्टॉप। शेखर, शेखर। किथे होए? हट जा वरना गोली मारूंगा मैं, बोल रहा हूँ तुझे। अच्छा गोली मारेगा तो मैं बम मार दूंगा मेरी वोटी को। हट जा गोली मार दूंगा तुझे। अंकल पापा, अंकल जी मुझे तुमसे कुछ वो अंकल जी वो अंकल जी इंस्पेक्टर, कोई अंदर नहीं आएगा, नहीं तो मैं पेट्रोल पंप उड़ा दूंगा पेट्रोल पंप में। आगे नहीं आना, गोली चला दूंगा मैं। नहीं, नहीं विकी, नहीं विकी, नहीं नहीं विकी, नहीं नहीं विकी, नहीं। अरे स्वीटी पुत्र, तू यहाँ बाहर बैठे बैठे कब तक उसका इंतजार करती रहेगी? वो गांव आएगा तो घर ही आएगा ना। हाँ, पहले तो महीने 15 दिन में आ जाता था, लेकिन इस बार गधा है एक नंबर का, अकल ही नहीं है इसमें। इस तरह शादी करके कोई अपनी बीवी को भूल जाता है क्या? नहीं बीजी, वो ऐसे नहीं है, वो मुझे, मेरा मतलब है हमें नहीं भूलेंगे। मेरा दिल कहता है वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गए, तभी नहीं आ सके। आज से डैडी का सारा कारोबार तुम संभालोगे, अब ये कुर्सी तुम्हारी। लेकिन निशा, बिजनेस करने की जरूरत क्या है? इतनी सारी प्रॉपर्टी है, साथ पुश्ते बैठ कर खा सकती हैं। लेकिन उन मजदूरों का क्या, उन मजदूरों के परिवारों का क्या जो हमारे बिजनेस पर जीते हैं? उन सबको क्या भूखा मारते हम? नहीं, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मैं उस शख्स को क्या जवाब दूं जिसने मेरे बुरे वक्त के अंदर मुझे शोरूम में नौकरी दी थी? आज मैं आधे रास्ते में उसका साथ छोड़ दूं क्या? वो किसी और को भी रख सकते हैं। तुम समझती नहीं हो निशा, वो मुझ पर बहुत डिपेंड करते हैं। मैं काम छोड़ दूंगा तो शोरूम बंद हो जाएगा उनका। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या बताऊं तुमको। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आज के बाद तुम यहाँ के MD हो। राव साहब, आप संभाल लीजिएगा। लेकिन निशा मेरी बात, बैठो ना प्लीज। थैंक यू। चलो देखिए, दिखाइए। मैं कह रहा था आपका प्रॉब्लम क्या है, हा? करोड़ों का बिजनेस है और आपको नौकरी की पड़ी है। अरे राव साहब, आप जानते ही नहीं मेरी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में, और मुझे राइटिंग का शौक है, मेरी एम्बिशन का क्या होगा? सब अच्छा होगा। आप एक काम कीजिए, आपकी जो फिल्म की स्क्रिप्ट है ना, हमारे इस फाइल के नीचे रखकर लिख लीजिए, किसी को क्या पता चले यहाँ के बिजनेस का क्या होगा। हम है ना संभाल लेंगे, फिक्र मत कीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, महीने के आखिर में आपको अकाउंट्स चेक करने होंगे और कुछ चेक्स पर साइन करने होंगे बस। राव साहब, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा? मेरी सैलरी के चेक पर साइन करके। बड़े प्रैक्टिकल आदमी है आप। राव साहब, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ। ऊपर वाले से दुआ कीजिए कोई नई मुसीबत ना अटके। ये पकड़ो पकड़ो। स्वीटी पुत्र, की गल है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बीजी मैं ठीक हूँ। तो फिर तू सच कह रही है स्वीटी? तेरा लख लख शुक्र है रब्बा, मारी जाओ। अब देखना, आज ही खत लिखती हूँ, कहती हूँ तू बहुत जल्द बाप बनने वाला है, फिर देखना
कैसा भांगड़ा करते करते पहुंचता है। ओए मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कांग्रेचुलेशन मिस्टर शेखर, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मुबारक। लेकिन आपको कैसे पता लगा? अरे कमाल है, मैं अभी अभी तो निशा को चेकअप करके आ रही हूँ। हाँ? यानी कि निशा भी? ओए निशा, ओए बल्ले बल्ले, निशा भी? निशा भी से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? और कौन माँ बनने वाली है? बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द न्यूज। हेलो, क्या बकवास करती हो? और कौन माँ बन सकती है? तो तुमने निशा भी क्यों कहा? मैंने निशा भी नहीं, मैंने निशा ही कहा। निशा ही का क्या मतलब? निशा ही का मतलब निशा ही। मैं निशा ही करके हंसने वाला था और तुमने मुझे ही पटका दिया। कमाल करती हो। शेखर तुम भी ना। मैं भी? मैं भी कि मैं ही? तुम ही। जानू, मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन एक टेंशन हो रही है। टेंशन? हाँ, यू नो, आज वक्त ने एक बार फिर मुझ पे डबल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो मुझे सिर्फ काम की और बीवी की टेंशन थी, अब तो बीवी और बच्चे दोनों की टेंशन हो गई है। और तुम तो जानती हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो इंसान को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर। सुधर, आराम खोर सुधर। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं ये कह रहा था कि कभी इधर कभी उधर।
फूल बरसाओ मेरी महबूबा लेटी है। शाम को घर जल्दी लौटाओगे ना? जल्दी क्या आ जाओगे, आज तो हम जाएंगे ही नहीं। आज तो सारे प्रोग्राम कैंसल, आज तो बस एक ही प्रोग्राम होगा। मैंने आपको जल्दी आने के लिए इसलिए कहा था कि कल टुकटुक का बर्थडे है, हमें उसके लिए गिफ्ट लाना है। हाय, टुकटुक के गिफ्ट से याद आया कि मेरा बस चले तो मैं टुकटुक को हर साल एक नया प्रेजेंट दूं, कभी एक फैन तो कभी एक प्रा। क्या कर रहे हो, टुकटुक आ जाएगा? टुकटुक आ जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा भाई? पापा। क्या हो गया बेटा? पापा आपके लिए फोन। फोन, इसे कहते हैं कबाब में हड्डी? नहीं पापा, इसे कहते हैं कबाब में घंटी। अबे ओए, पापा के साथ जबान दराजी करता है बेवकूफ। तुम भी ना। चलो तो पुत्र। हेलो, कौन बोल रहा है? तू फटाफट इधर आ जा कमालिस्तानी स्टूडियो में। अरे पागल हो गया क्या? आज मुझे मेरी बीवी की बाहों से दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। अरे चरिया, तीन ताकत तो मेरे सामने खड़ी हुई है। अच्छा, कौन सी है वो तीन ताकतें? मैं उनकी बीन बजा दूंगा, बोल। तेरी माँ, दूसरा तेरा बेटा वो टोनी, और तीसरी तेरी बीवी, क्या नाम है उसका? स्वीटी। स्वीटी बोले तो तीनों को पैक करके तेरा घर पे भिजवा दूं। अरे पागल हो गया क्या? अरे रोको उन तीनों को, मेरा मतलब है कि इस पार्टी को रोको, इस डील को मैं किसी भी तरह से सेटल करना चाहता हूँ। होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ। माँ माँ पेरी पेना, ओए टोनी मेरे पुत्र, की हाल है मेरे बच्चे? कैसी है स्वीटी? अब अच्छी हूँ। न चिट्ठी न तार, यहाँ कैसी आ गई यार? ओए क्या यार यार लगा रखा है, अरे यहाँ नहीं आते तो और क्या करते? मेरी बेचारी बहू कुछ कहती नहीं तो इसके दिल का हाल नहीं समझती क्या? मैं तेरा इंतजार करती रही। हो गए आप लोग, इतने अनइजी हो गए। ओए चुप कर, बस हम यहाँ आ गए, कितने दिन अलग रहेगी, हम यहाँ आ गए। उम्मा मेरे पास यहाँ ना घर का ठिकाना ना रहने का बंदोबस्त है। अरे 7 साल से सुन रही हूँ, तू घर बना रहा है, तू घर बना रहा है, तू की कर रहा है, तू घर बना रहा है या ताजमहल बना रहा है? बस हम यहाँ आए हैं, यहीं रहेंगे। आप जिधर रह रहे हैं ना, राजी खुशी हम वहीं रह लेंगे। अच्छा, मैं जिधर रह रहा हूँ वहाँ राजी खुशी रह लोगी? और चिल्लर वाली जी, इसको समझाइए कि दो टांगे एक शलवार में रह सकती हैं, लेकिन एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। अरे यार मैं क्या समझाऊंगा यार, तेरे नए घर के लिए मेरे पास कोई फाइनेंस विनेंस नहीं है। अरे तू यूनिट को एक कप चाय नहीं पिलाता, मुझे क्या फाइनेंस करेगा? मामा एक मिनट में आया। अरे चेरा रवानी जी, मेरे राइटिंग के पता नहीं कितने 50 खा गए आप, मगर अपने घटिया दिमाग से कोई आइडिया तो दीजिए। ये बात है तो सुन यार शेखर, ऐसा आइडिया लाया हूँ कि आग लगा दूंगा। किसको, अपने घटिया दिमाग को या आइडिया? चुप कर चरिया। बात ये है कि एक बंगले का वॉचमैन है, उसको एक्टिंग का बहुत कीड़ा है, उसका साहब हमेशा बाहर रहता है। मैं क्या करेगा, वॉचमैन को मेरा फिल्म में रोल दे देगा, वो तेरा फैमिली को आसला दे देगा। ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? तू फिकर मत कर। अरे मुबारक हो माता जी, सब ठीक हो गया, बंदोबस्त हो गया रहने का। मैं कह रही थी ना, एक बार हम बम्बई जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। हम काम किया यार, मजाक छोड़िए जी। आपको खुशी नहीं हुई हम आपके साथ रहने बम्बई आ गए? अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं बिल्कुल खुश हूँ। आप हंसी नहीं रहे? ओ क्या बात कर रही हो, मैं हंस रहा हूँ। तू हंस रहा है या रो रहा है? ओ मेरा क्या हो गया माँ, मैं आजकल ऐसे हंसता हूँ ऐसे। और मैं ऐसे रोता हूँ। सच्ची बताए भाई। अरे यार तुम लोग हंसता ही रहेगा कि जाएगा? चलो चलो चलो, अरे चलिया चलो, समझता नहीं। अरे तू वहाँ कहाँ चल? ओ बस बस, स्टॉप स्टॉप, कम टोनी। मम्मा मुझे गोला खाना है। ओ नहीं लाल, शाम को तू स्कूल से आएगा ना तो मैं तेरे लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। गोला शोला खाने से तो गला खराब हो जाता है। मुझे कौन सा गाना गाना है, खिलाओ ना गोला। चुप शैतान, दोबारा गोले की बात की तो मुझे मम्मी मत बोलना। तो ठीक है, मैं आंटी बोलूंगा। शट अप, चुप, यहीं खड़ा रहे, मैं प्रिंसिपल से मिल के आती हूँ। आपके टुक टुक के बारे में प्रिंसिपल आपसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहती हैं। चलिए कम, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। पुत्र, ओए इधरा। कौन मैं? हाँ इधरा, तेरे को मना किया था ना कि गोला नहीं खाया करते, अरे इसे गला खराब होता है, फेंक इसे, फेंक। आंटी अभी क्या कर रही है? आंटी? हाँ आंटी बोलेगा मेरे को? गोला नहीं दिया आंटी। हाँ अब वहाँ देख के मम्मी, मम्मी क्या चला रहा है? तेरी मम्मी यहाँ खड़ी है। अरे क्या कर रही हैं आप? आज के बाद तूने गोला खाया ना तो हाउ डेयर यू टच माय सन, मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया आपने? ओए चली हो गई है, एक गोला क्या खिला दिया मेरे बेटे को, अपना बेटा कह रही है? क्या बकवास कर रही हैं आप?
आई यू मैड? ओ मैड शहर गया तेल लगाने। तू क्या समझती अंग्रेजी बोलेगी तो मैं डर जाऊंगी? शट अप। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? ये मेरा बेटा है। अरे मेरे बेटे को अपना बेटा कह रही है? अरे अब्बा वो तो अच्छा हुआ मैं पति को साथ नहीं ले, वरना कहती है पति भी मेरा है। ए नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। ज्यादा बदतमीजी की तो पुलिस को बुला लूंगी। पिछले 5 साल से मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ रहा है, पूछ लो किसी से। ओए हद हो गई, हमें इतने 5 दिन नहीं हुए, 5 साल से कब से पढ़ने लगा? आज इसका पहला दिन है और नहीं पढ़ना स्कूल में। चल पुत्र रुक जा वरना पुलिस को बुला लूंगी मैं। ओए चोटी कहीं की, मेरा बच्चा चुरा के तू पुलिस को कैसे बुलाएगी? मैं बुलाऊंगी। गवाह है, छोड़ दे मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, छोड़ती है कि नहीं? ओए टोनी छड़ना, तू कह दे से कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरे को पूरी गोले की दुकान खरीद के दिलाऊंगी बेटा। ओले सच्ची मम्मी? ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल मेरे टुक टुक जैसा है। ओए बिल्कुल टोनी जैसा। ओए सेम टू सेम, इट्स अ कार्बन कॉपी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, आई कांट बिलीव माय आईज, इट्स अ मिरेकल। और अब देखिए भी नहीं आ रहे हैंगे जी। ओ माफ करना बहन जी, मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा करके बहुत बुरा किया जी। ओह नो नो नो, इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं। शायद मैं भी आपकी जगह होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। यू आर वेरी स्वीट। ओ जी स्वीट नहीं, मेरा नाम स्वीटी हैगा जी। और मेरा नाम निशा है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ओ तोड़े नाल मिलकर भी मेरा दिल बाग बाग हो गया। कभी मेरे घर आना, मेरे हस्बैंड तो इसको देखकर एकदम चौंक जाएंगे। ओ मेरे वो भी इसको देखकर ना एकदम चकरा के गिर जाएंगे जी। तो पक्का? ओ पक्का जी। हाय निशा। शेखर आज पता है टुकटुक के स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ? एक ऐसा बच्चा देखा जिसकी शक्ल हूबहू हमारे टुकटुक जैसी है। स्कूल बचा था एडमिशन के लिए। क्या कहा? मैं कह रहा था कि एकदम टुकटुक जैसा कैसे हो सकता है, या तो उससे मिलता होगा या जुलता होगा, लेकिन हूबहू। अरे शेखर मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अच्छा? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हमारे टुकटुक को आईने में देख रही हूँ। अच्छा? अरे मेरा ही नहीं पूरे स्कूल का ये हाल था। हाँ हाँ? दोनों बच्चे एकदम एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, यानी कि हमारे बच्चों के स्कूल में राम और श्याम चल रही है। तुम्हें मजाक लग रहा है ना? तुम्हें मजाक लग रहा है? ठीक है खुद अपनी आंखों से देख लेना जब वो यहाँ आएगा। क्या बात कर रही हो, यहाँ क्यों आएगा? अरे वो हमारे टुकटुक का बेस्ट फ्रेंड हो गया है। क्या बात कर रही हो, ये क्या हो गया, टोनी टुकटुक का दोस्त हो गया? टोनी? तुम्हें कैसे पता उसका नाम टोनी है? मुझे कैसे पता लगा? क्या मतलब है? तुमने तो कहा था कि टोनी टुकटुक का दोस्त हो गया। मैंने कहा? और नहीं तो क्या? नहीं तो क्या मैंने हवा में सुन लिया? ठीक है ना, तो मैंने ही कहा होगा। होगा नहीं जानू, तुमने कहा ये होगा। होगा क्या है ये होगा? होगा। और वो जो टोनी की मम्मी है ना स्वीटी, बहुत ही स्वीट लड़की है। और वो और मैं दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। मैं कह रहा हूँ कि तू बच्चे के स्कूल गई थी कि किटी पार्टी में गई थी जो सहेली बनाकर आ गई है? जुमा जुमा 4 दिन नहीं हुआ शहर में आके और तूने इतनी सहेलियां बना ली? ओ जी इसमें इतना पड़कने की गले जी, तुसी तो एकदम धर्मपाजी की तरह गर्म हो रहे हो। और धर्मपाजी तो ऐसे बोल रही है जैसे धर्म जी रोज सुबह शाम तुझसे रखड़ी बनवाते हो। और राखी बनवाए ना बनवाए, हमारे लिए तो आपके अलावा हर पराया मत प्राजी है। दैट्स वेरी गुड, बट याद रखी स्वीटी, आज के बाद जो तेरी नई सहेली है ना उसे थोड़ी भी बातचीत की ना तो तेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ओए किसी से बात कर ली, पहचान बढ़ा ली, तो इसमें हर्जी क्या है? माँ तो समझती नहीं है, इसने जिस मराठी लेडी से दोस्ती की है ना वो बड़ी मीर औरत है। तो फिर क्यों हो गया? आजकल तो चंद सवालों के जवाब देकर कोई भी अमीर बन जाता है। हो रही तो क्या, हमारा टोनी एक बार बड़ा होकर हीरो बन जाए, हम भी बहुत अमीर बन जाएंगे। ओए स्वीटी तू मेरा पॉइंट नहीं समझ रही है। तो पॉइंट समझाओ ना। ओ पॉइंट ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी बच्चे किसी अमीर आदमी की बीवी बच्चों को देखकर कॉम्प्लेक्स्ड हो जाएं। कॉम्प्लेक्स्ड? हाँ कॉम्प्लेक्स्ड। ओ जो निशा है तू उसके साड़ी और गहने देखेगी और उसके बाद तू आकर मेरा खून चूस जाएगी। हाँ और जो टोनी है वो टुकटुक को देखेगा स्कूल में मर्सिडीज से उतरता हुआ तो उसके बाद स्कूल बस से इसको नफरत हो जाएगी। नहीं पापा जी ऐसा कुछ नहीं होगा। और नहीं तो क्या, हमारा टोनी और उनका टुकटुक धर्मवीर के धर्मेंद्र और जितेंद्र की तरह जिगरी दोस्त बनकर रहेंगे। नो! मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर के अंदर कोई भी सोशल ड्रामा होए। और समझते नहीं तुम लोग बात को यार।
और टुक टुक बेटा इधर आए यार। टोनी बेटा इधर आए, मेरा मतलब मैं कह रहा हूँ इधर आए। गोदीज बैठ जाओ, गोदीज सर पे आ जाओ, सर पे आ जाके मेरे कसम का कि आज के बाद तो टुक टुक से कभी नहीं मिलेगा। मैं नहीं मिलूंगा। अरे खुश रहे बेटे मेरे, खुश। अबे चालू तू मेरे हाथों की लकीरें और क्यों खराब कर रहा है, पहले सब कुछ बिगड़ा हुआ। यार ये आवाज को सुनी सुनी लग रही है। टोनी चौंक गए ना देखकर, मैं संगीत होता ना ये बिल्कुल हमारे टुक टुक जैसा है। टोनी आओ बेटा, बैठो बैठो, आओ बैठो, बैठो ना। पापा पापा बेटा तुमने इन्हें पापा क्यों कहा? पापा को पापा नहीं तो क्या, मम्मी कहूंगा। हाय मजा देवा। ओह माय गॉड, माय रामा, या अल्लाह, यानी कि निशा बच्चों के साथ साथ बाप की शक्ल भी मिलती है? शक्ल मिलती नहीं है, आप ही मेरे पापा हो। व्हाट अ सरप्राइज, दुनिया का आठवां अजूबा। ही इज नॉट रेडी टू लिसन टू मी। लेकिन पापा। और चुप कर रहा, मैं तेरा पापा नहीं हूं, और मैं तेरा अंकल हूं पुत्र। मैं तेरा अंकल हूं। ये ले 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 स्ट्रॉबेरी मिल्क चप्पी, ये ले 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 स्ट्रॉ मुंह में डाल दे जल्दी से। और मैं तेरा अंकल हूं बेटा, अंकल 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 बुला रहे हैं, अंकल खिला रहे हैं। ये ले अंकल तेरे को फ्रूट खिला रहे हैं, ये ले अंकल तेरे को सैंडविच दे रहे हैं बेटे, हैं ये ले बिस्कुट खा ले, अंकल बिस्कुट खिला रहे हैं बेटा, खा ले बिस्कुट खा ले बेटा। हे कमाल हो गया ना, सरप्राइज है ना, व्हाट अ सरप्राइज यार, बोलता कि नहीं, बोलना बोलना सरप्राइज है, और है कि नहीं सरप्राइज। जिंदगी के सफर में अच्छा हुआ तुसी आ गए जी। मैं तो रोज आता हूँ, इसमें अच्छा क्या हुआ है? टोनी कह रही है सी, वो टुक टुक के बाप की शक्ल बिल्कुल तेरे जैसी है। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। मैंने ना तब से घबराहट सी हो रही है, मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है कि ओ तू तेरी फिल्में देखना बंद करो है। हां घबराहट क्यों हो रही है तुझको, किस बात की घबराहट हो रही है तुझको, घबराने से होगा क्या है? तू क्या समझती है कि मैंने क्या टुक टुक की मम्मी से शादी कर रखी है, हैं? और मैं तेरे और उसके बीच में घरवाली और शहरवाली खेल रहा हूँ, कितना कमीना हो गया मैं, कितना कमीना हो गया। शेरू पुत्र क्या कर रही है, क्या कर रही है? मैं सुबह से कितना समझा रही हूँ कि मेरे शेरू पुत्र ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकता, हाँ? लेकिन देखो सुबह से रोए जा रही है, रोए जा रही है। सवेरे से रो रही है, सवेरे से रो रही है। ना ना स्वीटी, ना स्वीटी ना, वो तो बड़ी भोली है स्वीटी, तो बड़ी भोली है। और जिंदगी को और फिल्मों को कभी मिलाते नहीं है, फिल्मों को क्या है 3 घंटे में खत्म हो जाती है, और जिंदगी तो लाइफ टाइम चलती रहती है ना। वो तो घबरा मत, तो घबराती तो मैं भी डर जाता हूँ ना। नहीं मैंने टोनी ने किया। टोनी चालू तो पुत्र, अत्या अत्या इधर इधर आ, गाड़ी छोड़ छोड़ गाड़ी, चश्मादार चश्मादार टोपी घुमा, आंखों में आकर डाल के बात कर। क्यों गया था टुक टुक यहाँ, मना किया था मैंने तुझको, कसम दी थी ना। वो तो ऐसे ही मैं अपनी नोटबुक लेने गया था, क्या मैं आपकी कसम तोड़ सकता हूँ? कसम तोड़ नहीं सकता तो फिर क्यों तोड़ दी? चालू दे पुत्र। ये क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, क्या है? चल गाड़ी में बैठ के जा। ओ जी की हो गया जी? और कुछ नहीं हुआ। और टोनी की कह रही है? कुछ नहीं कह रहा है। ओ हाथ में क्या दिखाओ? ओ हाथ में नहीं, मेरे दिल में, जाने मन आज बड़ी सोनी लग रही है, अंदर चल तेरे से बात करनी है। ओ जी कोई शर्म है कि नहीं? ओ शर्म की बात है, बात तो अंदर करनी है ना। ऐसे एक बात बताओ, जब तू नाराज होती है बड़ी सोनी लगती है। टोनी कह रही है? टोनी जी यहाँ तो मुझे गलत सुनो, क्या वो रिंग तुम्हारे पापा के हाथ में थी? हाँ लगता है तुम्हारे और मेरे पापा एक ही है। अरे नहीं नहीं, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे पापा के बारे में भी मेरा यही ख्याल है, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है अगर ऐसा हुआ तो मेरी मम्मी मर जाएगी, वो पापा से बहुत प्यार करती है। मेरी मम्मी तो मार ही डालेगी, वो भी पापा से बहुत प्यार करती है। अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा क्या? ओ जी टोनी जिद कर रहा था, मैंने मॉडर्न शॉर्डन बनके स्कूल छोड़ने आया करो, बस इसीलिए अंग्रेजी स्टाइल के कपड़े खरीद लिए। वैसे स्वीटी तुम टोनी के पापा को कब से जानती हो? ओ जी बचपन से। बचपन से? लेकिन तुसी बताओ, तुसी टुक टुक के पापा को कब से जानते हो? पिछले जन्म से। ओ मतलब थोड़ा भी हमारी तरह जन्म जन्म का रिश्ता है। कुछ समझ में आया टोनी? हाँ लगता है पापा पिछले जन्म से डबल रोल का चक्कर चला रहे हैं। सही कह रही हो।
स्वीटी वो आ गए। और मैं क्या स्वीटी ओए, और मैं क्या स्वीटी ओए ओए, तेरे रब ने कमाल कर दिया है, मैं क्या देख रहा हूँ। दोनों चालू इकट्ठा हो गए, पता नहीं क्यों होना है यार। हेलो, ओह माय गॉड, ये तो एकदम शेखर जैसा है। ओ कमाल हो गया यार, कमाल, दोनों कार्बन कॉपी लग रहे हैं, एकदम कार्बन कॉपी। और लेकिन और मेरा टोनी किधर खो गया हाँ? और टोनी तू है, तू है, तू है के तू है। ओए ओए ओए, ये क्या कर रहे हो? ओए की हो गया। ओए स्वीटी, तू चश्मे के पीछे चांद छुपा है। और ये क्या अंग्रेजी साड़ी पहन रखी है तूने हाँ? मुझे टोनी जिद कर रहा था। चुप कर, अपना शौक पूरा करने के लिए टोनी के नाम की रसीद मत फाड़। वैसे जरा लग बड़ी सुनी रही है, एकदम जूलिया रॉबर्ट लग रही है। अजी की कह रहे हो? अपना घर होता ना तो तुझे तो जप्पी मार के ना इतनी पप्पी दे देता ना, 25-50 पप्पी दे देता मैं। हाँ जी, ये मेरी सहेली निशा हैगी। हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार निशा जी, नमस्कार। ओ मेरा पुत्र टोनी है ना, उसने मुझे बताया कि इसका बाप मेरा हमशक्ल है, तो इन दोनों को तो मैं देख के चक्कर खा गया, एकदम बिल्कुल एकदम परेशान हो गया हूँ मैं दोनों को देख के एक साथ। और अब मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि मैं अपने हमशक्ल को देखना चाहता हूँ। क्या नाम है वो? शेखर, शेखर जी। एक मिनट छुट्टी थे आजा। नहीं वैसे निशा जी, एक बात पूछना चाहता था, मतलब कि वाकई मतलब कि ये मेरी तरह एकदम हूबहू लगते हैं। हूबहू बिल्कुल आपके जैसे हैं। टेंशन की बात हो गई, मेरा मुलाकात करना बड़ा जरूरी हो गया, तो बुलाओ उनको। किधर है वो शेखर जी? जी वो घर में नहीं है जी, वो ऑफिस गए। अच्छा, और तुझे कैसे पता लगा ऑफिस गया है? ओ जी, इन्होंने बताया। इन्होंने बताया? हाँ। हाँ तो बताया होगा, फिर कोई गलत नहीं है, फिर तो ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये बड़ी दुख की बात हो गई है कि मैं उनसे मिलने के लिए आया और मुलाकात नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, टेंशन हो गई है मुझे, मुलाकात फिर कभी। ठीक है, इस वक्त वो ऑफिस में है, मैं फोन कर लेती हूँ, आप बात कर लीजिए। ओ ग्रेट आइडिया जी, तुसी फोन पे बात कर लो। अरे यार, कितनी बार बोला है यार, शूटिंग में मोबाइल फोन ऑफ रखो। शेखर का कट कर दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, चलो रखो, चलो चलो, एक और क्लैप इन करो। हेलो हेलो शेखर जी, मैं बोल रही हूँ। हाय स्वीटहार्ट, अगर मैं तुला आता फोन करना रोज तो कैसे फोन किया तुमने? याद है मैंने आपको कहा था वो आपके हमशक्ल बिल्कुल आपके जैसे हैं। अरे काय म्हणते, फोन दे बात करा। एक मिनट, वो यही है, आप उनसे बात कर लीजिए। आइए, आपसे बात करना चाह रहे हैं जी। हेलो, आपका काम क्लियर करवा दिया ना? आवाज क्लियर नहीं आ रही। आज कमाल हो गया जी, मैं आपके घर आया, आपके बच्चे से मिला मैं, वो एकदम मेरे बच्चे की तरह लगता है, दोनों बच्चे एक दूसरे की तरह लगते हैं। हाँ जी, दिल बच्चा बच्चा हो गया। बच्चा बच्चा हो गया, मेरा मतलब है कि भाग भाग हो गया जी। और सुनाइए क्या हाल है? 3 महीने से पगार नहीं मिली। हाँ वो मेरे को मालूम है, माँ बहुत बीमार है। और जी, ये तो बड़े दुख की बात है, घर की छत भी गिर गई है। ये बड़ा अच्छा हुआ जी। अच्छा हुआ? अरे घर में एक बैल था, वो भी घर से भाग गया। नहीं वो तो आपके साथ होना चाहिए था जी। अरे होता क्या रहता है, घर में बहन है, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो तो होनी चाहिए ना। नहीं मैं समझ गया, आप बड़े बिजी आदमी है। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, मैं बहुत फ्री हूँ, मुझसे बात कीजिए। मैं बाद में बात करें, बिजी है आप, बाद में मैं घर आ जाऊंगा बाद में। ओके जी, ओके। इतनी थोड़ी देर में आपने इतनी सारी बात कर ली, कमाल हो गया। बहुत कमाल की मीठी बातें करते हैं, बड़ा मीठे आदमी है। बाद इस टाइम आपको तो डायबिटीज हो गई होगी जी। हुई कि नहीं? अच्छा जी, नमस्कार, आजा। ओए टोनी को साथ लेना, वो टुकटुक को मत ले जाना। पहचान लो। और पहचानना क्या, अपने ही बच्चे हैं, दोनों से गले मिल लेता हूँ। मैंने तो कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा मैं चलती हूँ निशा जी। ओके ओके, बाय जी। मैनू इतने दिन हो गए आए हुए, लेकिन तुसी तो सच्ची। ओए मनु, फुर्सत तो मिलने दे। ओ कब मिलेगी ये फुर्सत? मैनू तो ऐसा लगता है हम अभी भी गांव में रह रहे हैं। उठे तुसी दूर रहकर भी दूर दूर रहते थे, और इतने सामने रहकर भी दूर दूर रहते हो। सवेरे थके थके उखड़े उखड़े से आते हो, शाम को फिर काम पे निकल जाते हो। पापा जी, कहीं आप राइटिंग की जगह वॉचमैन ही तो नहीं कर रहे? चुप कर, बदतमीज। चालू था पुत्र। नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब है मेरी संगत में बदतमीज हो गया है माँ। लेकिन ठीक कह रही है, सारे राइटर लोग रात को ही लिखते हैं क्या? ओ माँ, तू फिल्म इंडस्ट्री के दस्तूर को नहीं समझती माँ। ओ की है ये दस्तूर कि सारे काम शाम रात में ही करते हैं? क्या है? है मैं क्या करूं? और डायरेक्टर को थॉट रात में आता है, राइटर स्क्रिप्ट रात में लिखता है, प्रोड्यूसर को फाइनेंस रात में मिलता है, हीरोइन को मूड रात में आता है, नाइट शूटिंग होती है, मैं क्या करूं? रात रात रात। क्या है ना स्वीटी, तू नहीं समझती।
मैं उन्हें बड़ी उलझी हुई कहानी में उलझा हुआ हूँ। एक बार कहानी सुलझा लूँ ना, फिर तुझे हर जगह घुमाने ले जाऊंगा। एक बार दोनों साथ रहने लगो ना, मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या मतलब, अभी साथ साथ नहीं रह रहे हैं क्या? अब कहाँ साथ रह रहे हैं क्या? अब मेरा मतलब है कि 24 घंटे साथ तो नहीं रह रहे ना हम लोग। मैं चलता हूँ माँ। पापा जी अब जूते पहनना तो भूल गए। हेलो, अरे मेरा बेटा, तूने मेरे जूते पॉलिश किए क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही? तू मेरी औलाद है, ऐसे तू कुछ भी नहीं करेगा। चल कोई पापा, बात नहीं, मैं आपको पहना दूँ? नहीं बेटे, मैं रास्ते में पहन लूंगा। एक रात में इतना समझदार। ओके बाय जी। हाँ बोल टोनी। हेलो टुक टुक, काम बन गया। गुड गुड, मैंने जूते पे निशान कर दिया है। जब तेरे पापा घर पे आएंगे ना, तब तू चेक करना कि जूते पे निशान है कि नहीं। हाँ ओके, अगर ऐसा होगा तो समझ लेना हमारे पापा टू इन वन है। ओके बाय बाय। पापा के चमचे कब तक इंतजार करोगे बेटा? जाके सो क्यों नहीं जाते? मुझे पापा से बहुत जरूरी काम है। टुक टुक। ओए बेटे टुक टुक। पापा। ओए मेरे पुत्र। आ गए आप? नहीं मैं कहाँ आया हूँ, मेरा भूत आया है। थके थके से लग रहे हो। वो क्या है ना कि दिन भर मैंने ऑफिस के अंदर बहुत भांगड़ा किया है। ऐसे उल्टे जवाब क्यों दे रहे हो? ओ डार्लिंग, तू सवाल उल्टे पूछ रही है। अब आदमी दिन भर ऑफिस में काम करेगा तो थकेगा नहीं? क्यों करते हो इतना काम? जब देखो तो काम काम काम। मेरे लिए तो फुर्सत ही नहीं है तुम्हें। ओए? रात को लेट आते हो, एक तो थके थके, और फिर सवेरे जल्दी निकल जाते हो। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। रात को थके थके आते हो और सवेरे जल्दी चले जाते हो, ये डायलॉग तो एक ही चल रहा है दोनों जगह। ओए चालू दे पुत्र, नीचे क्या देख रहा है? जूते को। जूता क्या देख रहा है? तू भी पॉलिश करेगा? लाइए मैं निकाल दूं। अच्छा तू निकालेगा, क्यों? मेरी टीचर कहती है माँ बाप के पैरों में स्वर्ग होता है। अच्छा टीचर इतना इंटरेस्ट लेके सिखा रही है? कब बोल रही थी तुझे वो? आज शाम को फोन पर। अच्छा फोन पर समझाया तुझे? कोई बात नहीं, निकाल निकाल। अच्छा एक जूते पहना रहा है, दूसरा जूते निकाल रहा है। यार ये मेरा कहीं जूते खाने का टाइम तो नहीं आ गया? क्या हो गया ओए, ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हो गया? कुछ नहीं। ओए तेरी जुबान और तेरा एक्सप्रेशन मैच नहीं खा रहा है। कुछ नहीं तो ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत कुछ है। ओए क्या हो गया ओए? बहुत कुछ। बहुत कुछ? बहुत कुछ बोल के पांव पटक पटक के जा रहा है। ओए यार उसने जूते में किया कुछ, इस चालू जी पुत्र ने देखा कुछ, कह रहा है बहुत कुछ, लफड़ा है कुछ। अरे मेरे बेटा टुक टुक। हेलो पापा। हाँ मेरे पापा नहीं बेटे, अंकल। अंकल नहीं पापा, पापा हमको पता चल गया आप दो नहीं एक हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग दोनों? उस दिन टुक टुक ने आपके हाथ में ड्राइंग बनाई थी, वो मेरे पापा के हाथ में कैसे आई? हैं कोई? और कल इसने जो अपने पापा के जूते पे निशान बनाया, वो मेरे पापा के जूते पर कैसे आया? मतलब अब हाथ से पैर तलक तो एक ही है ना? लेकिन तुमको कुछ गलत फहमी हुई है बेटे। हमें कोई गलत फहमी नहीं है। हम आपको 2 दिन का टाइम देते, आप खुद मेरी मम्मी को बता दो और मेरी मम्मी को भी, वरना 2 दिन के बाद हम दोनों आपका भांडा फोड़ देंगे। अच्छा 2 दिन के बाद मेरा भांडा फोड़ दोगे? हाँ भांडा फोड़ देंगे। ओए भांडा बचा लो मेरा, ओए मेरा भांडा बचा लो। क्या? ओए भांडा बचा लो। अरे यार शेखर, यार यार तू तलवार की तरह मेरे सर पे मंडराना बंद कर यार, बैठ जा। एक आइडिया आया है। किसको? मेरे को आया है। क्लियर कीजिए। अरे बोलने देगा तो क्लियर करेगा ना। बोलिए। थैंक यू। यार शेखर, अगर तेरी दोनों बीवियां अपने दोनों शोहरों को एक साथ देख लेवे तो? कैसे देख लेंगी? क्लियर कीजिए शेखर, किसी फिल्म का सीन तो नहीं है ना जिसकी जीरो कॉपी बना के एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, बहुत कंफ्यूजन है। अरे यार मैं डायरेक्टर है, मैं डबल रोल शूट करेगा यार, और भांडा भी नहीं फूटेगा। हां ठीक है। लेकिन शेखर यार इसमें थोड़ा खर्चा होएगा। मेरे नाम का चर्चा हो जाए, इससे तो अच्छा है थोड़ा बहुत खर्चा हो जाए। चला ना मानी जी। हाँ यार मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा चालू है यार। यार बात खुशी की है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों रोना रहा यार। भांडा बचाओ, सब क्लियर हो जाएगा। भांडा बचाओ, सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
भाड़ा बच्चा। अरे निशा जी, अगर आप भी पार्टी में आती तो मैं कहता हूँ कि आपकी बाचे खिल जाती बाचे। आपके पति और हमने मिलकर जो धमाल की है वो पूरी पार्टी का मुंह है ना, वो सिनेमा स्कोप की तरह खुल गया। और उनकी आंखें है ना वो 70 mm हो गई, और साउंड है ना वो तो डिजिटल हो गया जी, डिजिटल। अच्छा? हाँ जी। और देखता क्या हूँ मैं, सबसे बड़ा तमाशा ये हुआ कि हम दोनों इधर खड़े हैं और हम दोनों सामने भी हैं जी, चार। हाँ, चार चार। और हुआ यूं, एक मिनट बाद मैंने रियलाइज किया कि सामने तो वीडियो कैमरा चल रहा है यार, ये वीडियो स्क्रीन है। तो मैं क्या यार, वो चोरी चुपके वीडियो शूटिंग कर रहा है। अच्छा। तो मैं बोला कमाल का माहौल है भैया, इसका कैसे निकाल के हमको दे दो। तो हमने सोचा कि हम आपके भी घर में लाकर दिखा दें। दिखाओ मैं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। आई शो यू, ओके आई शो यू, यू सी। अच्छा, मतलब आप वीडियो वाले को साथ लेकर गए थे। चलो दा पुत्र। ओए निशा जी, ओए आपका पुत्र बड़ा कमाल है। लगता है जब ये पेट में था तो आपने बहुत सारी जासूसी फिल्में देखी होंगी। हाँ, खुद गाजर के साइज का है और अपने आप को डिटेक्टिव समझता है। ओए बेटा, इतनी बड़ी पार्टी में जाते हैं ना तो वीडियो वालों को साथ लेकर नहीं जाते। और अब है ना थोड़ी देर चुपचाप बैठ कर रहना और ज़्यादा कॉमेंट ना करना, वीडियो इंजॉय करते हैं। यानी कि आपका बेटा टुक टुक भी आप पर शक करता है। अजी क्यों ना करे, निशा का बेटा जो है। ऐसा शक क्यों हो गया कि मैं तो मैं हूँ ही, बल्कि आप भी मैं ही हूँ। वो बोल रहा था कि मैं भांडा फोड़ दूंगा। अच्छा, भांडा फोड़ देगा। अगर उन दोनों ने हम दोनों को इस तरह से बातें करते देख लिया ना तो दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। अजी साहब, दोनों की नहीं बल्कि चारों की, वो बड़ी धोबी तो है। अब और कुछ कहना है टुक टुक? कुछ कहना नहीं है, कुछ दिखाना है टोनी। और ये जुड़वा डुप्लीकेट की डुप्लीकेट कैसेट दिखाने का क्या क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है पापा, डुप्लीकेट में दो शाहरुख खान थे, लेकिन दो शाहरुख खान है क्या? हाँ, और जुड़वा में दो सलमान खान थे, लेकिन दो सलमान खान है क्या? अरे लेकिन तुम लोग दोनों तो दो हो। हाँ तो हम साथ में दिखते भी है ना। हाँ, हाथ भी मिला सकते हैं, कान भी पकड़ सकते हैं, गले भी मिल सकते हैं, लेकिन आप दोनों साथ में क्यों नहीं दिखते? हाँ लेकिन आप दोनों साथ में क्यों नहीं दिखते? ओए तेरा डैडी बिजी आदमी है, ओए तेरा डैडी बड़ा आदमी है, उसके पास टाइम नहीं होता है। हमारा क्या, हमारे पास तो फुर्सत ही फुर्सत होती है। ओए निशा जी, और लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा, और शेखू से कह दीजिएगा कि अगली बार साथ रहे। शेखू? और शेखर जी मेरा दोस्त हो गया ना शेखर। अब तो हम लोग है ना, हम ही साथ खेलेंगे, एक दूसरे की नाक पकड़ेंगे, कान पकड़ेंगे, गले में हाथ डालेंगे, और मैं कहता हूँ हम सब करेंगे। लेकिन कैसे और कब करेंगे? महाराज आपने मुझे पहचाना? आप बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं वही दो शादी वाला हूँ। आपने कहा था कि मेरी दो शादियाँ हो जाएंगी, मेरी दो शादी हो गई, लेकिन आजकल मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ महाराज। इसे परेशानी मत समझो बेटे। थोड़ा क्लियर कर दीजिए, ये परेशानी को परेशानी नहीं तो क्या असरानी समझे? ये परेशानी नहीं है, ये तो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। परेशानी तो अभी आने वाली है, अभी आने वाली है। हाँ। अरे यार ये तो लफड़े वाली बात है। ये तो वही नहीं। महाराज मेरी पूरी लाइफ भूकंप की डॉक्यूमेंट्री बन गई है और आप उसको ट्रेलर कह रहे हैं, यानी कि आगे कौन सी परेशानी आने वाली है? वो तो जब आएगी बेटे तब पता चलेगा। ये बार बार तब पता चलेगा क्यों बोल रहे हैं यार, कोई टॉप लेवल पंगा लग रहा है यार, कोई चक्कर चलाना पड़ेगा यार। अरे और कितना चक्कर चलाएगा यार, निशा के लिए तो पहले से 10 दिन से सिंगापुर में बैठा हुआ है। नहीं, शेखर को अगर लाना है तो शेर सिंह को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सिंगापुर की फ्लाइट तो लैंड हो चुकी है, बस वो आते ही होंगे। अच्छा निशा जी, मैं भी चलती हूँ, टोनी के पापा कभी आने का टेम हो गया।
हेलो। ओए स्वीटी क्या कर रही है तू? ओ यहीं पे बसने का इरादा कर लिया क्या? ओ नहीं जी, मैं तो आ रही थी। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गया। वो क्या है ना कि मैं गोवा जा रहा हूँ ना सब्जेक्ट सेटिंग के लिए 15 दिन के लिए, तो क्या कि अपनी बॉडी से मिलके जाना चाहता हूँ। फिर एक नया बहाना। अच्छा निशा जी, अच्छा जी, हाँ ख्याल रखना है। ओए कार्बन कॉपी हो, एक दूसरे की नोटबुक से क्या कॉपी कर रहे हो? हम लोग कॉपी नहीं कर रहे, हम लोग नक्शा बना रहे। हाँ, और मैं सिंगापुर का नक्शा बना रहा हूँ और ये गोवा का। यार ये बच्चा लोग तो बहुत चंटे यार। अच्छा स्वीटी में चलता हूँ अनिशा जी, ख्याल रखना है। शेर सिंह जी, हाँ जी, थोड़ी देर रुक जाइए, आपके दोस्त आते ही होंगे। नहीं गाड़ी में जा रहे हैं ना, रास्ते में बहुत मोड़ होते हैं, घाट भी आ जाते हैं फिर। हाँ मम्मी, इन्हें जाना तो पड़ेगा, अगर ये नहीं जाएंगे तो वो वापस कैसे आएंगे? कौन जाएगा नहीं तो कौन आएगा नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है। अरे चढ़िया, अगर शेर सिंह जाएगा नहीं तो शेखर आएगा कैसा? हाँ क्या 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 कहना क्या चाह रहे हो तुम लोग? हाँ मेरे पापा जाते हैं और इसके पापा बनकर वापस आते हैं। हाँ ये बात तो मैंने कभी पहले नोट नहीं की। क्या निशा जी, आप बच्चों की नॉट नेसेसरी बात को नोट करके अननेसेसरी बात कर रही हैं। अरे कभी कभार इस तरह का इत्तेफाक हो जाता है। कभी कभार नहीं, हमेशा ऐसा होता है। ओ जी, आज तो आप रुक ही जाओ। क्या बात कर रही हो स्वीटी, अगर मैं रुक जाऊंगा तो रोटी कौन कमाएगा? सारी जिंदगी रुकने को थोड़ी कह रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। ओए स्वीटी, गोवा तो जाना है, कौन सी प्लेन या ट्रेन छूट जाएगी? बाय कार जा रहे हो ना, थोड़ी तेज उड़ा लेना कट्टी। ओ मुझे तेज चलाने में कोई हर्ज नहीं है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चेला रवानी जी है ना, ये रात को घाट नहीं चढ़ सकते, रात को सफर करने में इनको सफरिंग हो जाती है। सर आपने तो कहा था कि आपने घाट घाट का पानी पिया है, फिर ये घाट के सफर में सफरिंग कैसे होने लगी? नहीं नहीं क्लियर कीजिए क्या है उनको ना। उनको उल्टी सुल्टी होने लगती है ना, बहुत बीमार हो जाते हैं। आप इतने बहाने क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर रुक जाइए, ये आते ही होंगे, साथ बैठ के एंजॉय करेंगे। हाँ जी। नहीं नहीं बहाने क्यों करूंगा जी, मुझे भी एंजॉय करना है। और इनकी प्रॉब्लम है अपनी, ये लोग बड़े बिजी लोग हैं, आप इन लोग से खुद पूछ लीजिए ना, जो जो आप लोग बोलेंगे हो जाएगा जी। आप बोलिए क्या करना है। बोलना क्या है, अरे सब मिलके एंजॉय कर लेंगे और क्या। हाँ, और क्या, सब मिलके एंजॉय नहीं कर सकते चरिया? क्यों नहीं कर सकते, क्लियर कीजिए। अरे अरे पिक्चर ऑलरेडी 7 साल लेट हो गया है, और लेट हो गया तो बहन जी हम लेट जाएंगे यार। नहीं नहीं तब तो नहीं कर सकते, 7 साल से बन रही है, 7 रील कंप्लीट नहीं हुई, 7 घंटे और हो जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? और बच्चों का शक दूर करना भी बाप का फर्ज बनता है कि नहीं? ओए स्वीटी, ओए अपने शक को बच्चों के शक का नाम मत दे। हाँ और मेरी रहम दिली का ज्यादा एडवांटेज ना उठाई, और मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। मेरा नाम शेर सिंह है। और शेर सिंह है तो चिल्लाते रहोगे, जब देखो चिल्लाकर चुप करा देते हो, आज देखती हूँ आप कैसे भाग जाते हो। आपको बच्चे की कसम। ओए तू मुझे बच्चों की कसम देने की कोशिश कर रही है? कोशिश नहीं कर रही हूँ, दे रही हूँ। ओए तू मुझे बच्चे की कसम दे रही है? हाँ दे रही हूँ। तो ठीक है, यस यस, तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है दे दी तो दे दी, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है होता है, कसम दे देते हैं औरतें हैं। भगवान मेरे नाल इतना बड़ा अनर्थ मत करना, नहीं तो मैं मरी जाऊंगी। कौन है तू? है
अबे ओए, ओए कौन है तू ओए? कौन हूँ मैं? ये कैसी बात कर रहे हो शेर सिंह? मैं हूँ शेखर, निशा का पति, इस घर का मालिक। निशा? अरे निशा, ये देखो शेर सिंह को क्या हो गया है, ये मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ। और देखो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, और तू भी थोड़ा सीरियस हो जा और बोल कौन है तू और यहाँ क्या करने के लिए आया है। कमाल है, इंसान अपने घर अपने बीवी बच्चों के पास किस लिए आता है? अबे ये मेरा घर है और ये मेरे बीवी बच्चे हैं, और बोल तेरा ड्रामा क्या है? अरे पागल हो गए हो क्या तुम शेर सिंह? निशा डार्लिंग कहाँ हो तुम? ओए ओए मेरी वोटी को डार्लिंग बोल रहा है? अबे ओए काट के रख दूंगा खड़े खड़े, 100 टुकड़े करूंगा और चील कबू में बांट दूंगा मैं तुझे। शेर सिंह जी, माइंड योर लैंग्वेज, ये क्या गाली गलौज लगा रखी है आपने? गाली गलौज दूर की बात है निशा, जानती हो शेर सिंह ने अभी क्या कहा? इसने कहा कि मुझे तो इसकी बात दोहराते हुए भी गुस्सा आ रहा है। एक काम करो शेर सिंह, जो बात कहने की हिम्मत तुमने मुझसे की है वही बात तुम निशा और अपनी पत्नी के सामने कहकर दिखाओ। बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं? क्या कहा आपने इनसे? स्वीटी, स्वीटी, निशा, शेर सिंह और शेखर मैं ही हूं और तुम दोनों का पति भी मैं ही हूं। बस शेर सिंह, हम शरीफ है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी इज्जत से खेलने दे। भाभी जी, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, ले जाइए अपने पति को यहां से। ओए तू क्या कर लेगा? ओए मारो इसे, गेट आउट ऑफ माय हाउस। शट अप। निशा मेरी बात मानो, ये बैरूबिया है और न्याय की चालाक और खतरनाक आदमी है जो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे घर में मेरी जगह लेना चाह रहा है। सुनो जी, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं। और चुप करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इस बैरूबिया की तबीयत खराब ना कर दूं, मैं इसका टंगा ना तोड़ दूं, मैं क्रिकेट के साले। भाभी जी नाउ दिस इज टू मच, अब अगर एक मिनट भी आपका पति यार रुका ना तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ओए पुलिस ने क्या कर लेना? अरे चुप कर चलिया, तू क्या पुलिस को बुलाएगा? पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि मुझे हर बात के लिए क्लियरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन फॉर ए चेंज इस बार मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। यही शेर सिंह है, यही शेखर है और यही इन दोनों देवियों का पति है और यही हमारी फिल्म का राइटर है। क्लियर? अच्छा अच्छा, फिल्म कंपनी वाले। यस, और अब इस राइटर की जिंदगी में ये फ्रॉड घुस आया है, अब इस फ्रॉड को आप क्लियर कीजिए फटाफट फटाफट। ये क्लियर नहीं हुआ। पांगे के साथ पंगा मत लेना। क्लियर हुआ या नहीं? नहीं हो गया, क्लियर हो गया। इसकी गारंटी लेता है, कब से जानता है इसको? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, जान पहचान तो इनकी है, इनकी ये राइटर है, इनके राइटर है। क्लियर कीजिए। क्या बोलता है यार, जान पहचान थोड़ी है, खाली पहचान है वही, ये बस यही 5-7 5-7। नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, 5-7 साल से जानता है खाली। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात सुनिए, आप बताइए आपके पास कोई सबूत है कि शेखर आप ही हैं? आप बताइए कि आप ये कैसे साबित करेंगे कि आप इंस्पेक्टर पांगे हैं? आपको यहाँ दो दो इंस्पेक्टर पांगे नजर आ रहे हैं? नहीं ना, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, क्या सबूत है आपके पास? ठीक, निशा से शादी करने से पहले जिस आंटी के यहाँ पर मैं पेइंग गेस्ट था उनके बारे में बताऊं या उस कार शोरूम के मालिक के बारे में बताऊं जहां पर मैं पहले नौकरी करता था? अरा ये रही मेरी सिंगापुर की टिकट और ये रहा मेरा पासपोर्ट, कम से कम इसको तो झुटला ही नहीं सकते आप। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब इसका नहीं है, मेरा पासपोर्ट है और मुझे नहीं पता ये इसके पास कैसे आया, और मेरा तो सिंगापुर जाने का कोई रहता ही नहीं था, मैंने तो निशा से यूं ही कह दिया। देखिए देखिए देखिए, आप फिजूल की बातें कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक मौका देता हूं, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप शेखर ही हैं? मेरे पास सबूत है। बताइए। है सबूत मेरे पास। टुक टुक, तुमको याद होगा उस दिन तुमने मेरे हाथ पर निशान बनाया था जो टोनी ने देख लिया था, और टोनी तुमने मेरे जूते पर निशान बनाया था जो टुक टुक ने देखा था, याद आया तुम लोगों को? बताओ अंकल को, बताओ, अरे बताओ। ओ मिस्टर, बच्चों को मत डांटिए, कोई ठोस सबूत हो तो बताइए। ठोस सबूत? डायरी। इंस्पेक्टर साहब, जिस रात को निशा की डैडी का कत्ल हुआ मैंने उनको अपनी दोनों शादी के बारे में बताया था और उन्होंने यह बात अपनी डायरी में भी लिखी थी, मैं अभी आपको डायरी ला के दिखाता हूँ,
अभी लाके दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या ये सच है कि आपके पिताजी को डायरी लिखने की आदत थी? जी, डैडी रोज डायरी लिखा करते थे। और ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये डायरी मेरी सच्चाई का सबूत है। ये देखिए, ये 16 जून को मेरी शादी हुई थी, ये पढ़िए। लाइए। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बेटी निशा की शादी हो गई। शेखर एक बहुत ही शरीफ और नेक लड़का है, सिर्फ और सिर्फ निशा को चाहता। मुझे दामाद के रूप में आज एक बेटा मिल गया। जो आप कह रहे हैं इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इंस्पेक्टर साहब, ये डायरी बदल दी इसने। और बरसों पहले मरे हुए आदमी की हैंडराइटिंग भी कॉपी कर ली। ये आदमी बहुत बड़ी प्लानिंग करके आया इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत बड़ी प्लानिंग करके आया यहाँ पर। शेर सिंह, बेकार में ये हाथ पैर मारना छोड़ो और यहाँ से निकलो, वरना मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। चलो जी, की जेल जाके ही जी भरेगा। ओए एक मिनट यार, तू होल्ड कर यार। वो बोल रहा पकड़ लेगा तो क्या पकड़ लिया उसने मुझे? हाँ, वो इंस्पेक्टर तो मैं चोर हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये लास्ट पॉइंट है। इसे कहो कि अगर ये शेखर है तो इस घर के लॉकर का कोड बताए जो मेरे और निशा के सिवा किसी को पता नहीं। बोलो साले को बताए। ओए बताओ। है 38492। ओए ओए तेरी, ओए ओए यार, ये आदमी है क्या? कौआ है ये? कौआ खाऊ कहां से आ गया मेरी लाइफ में? ओए कौए खुश उड़ जाओ। ओए ओए यार, ये कौआ कहां से आ गया मेरी लाइफ में यार? और चुप कर, शेखर हो तुम? हाँ, इस घर के मालिक, इनका बिजनेस संभालते हो, तो बताओ इस साल तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर क्या है? ओए कंपनी का टर्नओवर फनओवर कौन याद रखता है? हाँ मैं तो नहीं याद रखता, मैं मस्त आदमी हूँ, पंजाबी आदमी यार, दूध ते मस्ती ते लस्सी ते दुनिया दे ठा बात करता है। ये काम तो राव साहब का है वो। हो इंस्पेक्टर साहब, हो इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी है, एक आदमी जो सारी सच्चाई है ना सबूत बना के सारा खेल खोल डालेगा, और वो है हमारे ऑफिस के राव साहब। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी दो शादियां हुई है और मैंने इतनी बड़ी बात निशा से छुपा कर रखी? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम होश में तो हो? निशा, मैं इतना गया गुजरा तो नहीं हूं? तू है इतना गया गुजरा? इस भैरू पे ने तुझे भी खरीद लिया है। मैं तुझे जान से मार लूंगा कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। छोड़ो छोड़ो, पीछे हटो, हाथ पाए बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। मैं एक और सबूत है मेरे पास, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मेरे पास अब एक ही रास्ता है। मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चे के सर पे हाथ रखकर कभी झूठी कसम नहीं खा सकता। मैं इसके सर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं ही शेर सिंह हूँ और मैं ही शेखर हूँ। मैं भी अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं ही शेखर हूँ। खबरदार सर, ये मेरे बच्चे की झूठी कसम खा रहा है। बस बस, पांगे के साथ पंगा नहीं, समझे? आइंदा इनके घर या ऑफिस में कदम रखने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। स्वीटी, ओए स्वीटी, ओए चालू चोर दे पुत्र, कितने गई तेरी माँ, रोका नहीं उसको? ओए स्वीटी, मैं तो मर गई, मैं तो लुट गई, मेरी तो डेथ हो गई। अरे उसी के पास जाया करते थे रात रात में स्टोरी सेटिंग के बहाने। स्वीटी, स्वीटी, अरे मर गई। नहीं स्वीटी, नहीं नहीं, तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। नहीं स्वीटी छोड़ दे तू, मुझे बुझदिल है स्वीटी। अरे स्टॉप तो छोड़ो। नहीं स्वीटी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, सुसाइड नहीं करने दूंगा। अरे गैस खत्म हो गई है, खाना पकाना है, स्टॉप तो छोड़ दो। वो मैंने सोचा कि तू सुसाइड करने जा रही है, वो मेरी माँ अंदर हो जाती यार। अरे मैंने कौन सा गलत काम किया जो मैं अपने आप को मर दूं? ओए रब्बा, मैं तो सुनू कुछ कुछ होता है कि शाहरुख खान समझा करती थी तो सीता घरवाली मारवाली के अनिल का फोन निकले। ना स्वीटी ना। ए स्वीटी, कैसी बातें कर रही तू? ऐसा की था मेरे पुत्र ने? अरे खुद अपने पुत्र से पूछो, बड़ा भरोसा था ना, इतना घटिया काम किया माँ जी की आपकी तो डेथ हो जाएगी। क्यों रे शेरू, क्या किया है तूने? अरे तेरी आवाज क्यों नहीं निकलती? अरे दिल से निकाल दे, इनकी आवाज क्या निकलेगी? मेरे टोनी के हाथ पे लिख दिया कि इसके बाप की दो दो बीवी है। क्या? हाय रब्बा, माँ जी इन्होंने दो दो शादियां कर ली, और वो जो अपने टोनी जैसा दिखता है ना, इन्हीं का बेटा है, और निशा मेरी सौत है। माँ जी, हाय रब्बा, हाय रब्बा, मैं की मैंने नहीं पता था कि माँ जी का यार होगा।
नहीं बा, नहीं बा, इतनी छोटी सी गलती कितनी बड़ी सजा मत मुझे। माँ तुमने जुत्ती मार, तुमने थप्पड़ मार बा, मगर मगर मुझे छोड़ के मत जा बा। नहीं बा, मुझे छोड़ के मत जा बा। कितने पुत्र तुम हो निशा, होए मेरी वोटी, होए मेरी वोटी। निशा, तूने मुझे धक्का मारा है? तू गौर से देख निशा, मैं हूं तेरा शेखर, तेरे टुक टुक का पापा, नहीं। जिसने तेरे खातिर 41 लड़कियों से रखड़ी बनवा ली। अरे यार, करुण को तो मुझे बचाने के लिए सबूत की जरूरत है, लेकिन क्या तुझे भी मुझे बचाने के लिए सबूत की जरूरत हो गई निशा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? देवेन, मनीष, चलप्पा, जगदप्पा, गुंडप्पा, मुंडप्पा, आवाज नीचे। देख निदा, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं। निकाल के फेंक दो उसको। ओए, तुम लोग मुझे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। डंडा नीचे कर। जब मैं खुद निकल रहा हूं तो क्यों निकालेगा है? चल पर आज। और निशा, तू मेरी बात सुन ले। और पिया पिया होता है और बहरू पिया होता है। और निशा, इंसान की आंखें धोखा खा सकती है, उसके मन की नहीं। निशा, तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, बच के रहना इस बहरू पिया से, अपनी हिफाजत करना। तू ऐसा नहीं मानेगा ना, तुझे आने से मना किया था। चलो इसे लॉकअप में ले चलो। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। शेर सिंह के गिरेबा पे हाथ डाल सके, अभी ऐसा मर्द पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों, क्या खासियत है तुझ में भाई? जब मैं खुद साथ चलने को तैयार हूँ तो गिरेबान पे हाथ क्यों डालोगे यार? चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, आराम से बात करते हैं। और तू सुन ले, तुम दोनों कीजिए। और ये क्या हुलिया बना रखा है? वो साहब, वो दिन वो आपका एक्शन देखा ना, उसका ये रिएक्शन है। वो आपका जबान से जल्दी हाथ चलता है ना, तो हम सोचा जरा अपनी तरफ से भी प्रोटेक्शन करेगा। आगे बोलो, काम क्या है? वो शेर सिंह का जमानत करने को आया है। नहीं नहीं, वैसे हमारा जासी जान पहचान नहीं है, है ना? आगे बोलिए। हाँ, पन क्या है कि इंसान के नाते फर्ज बनता है ना यार, किसी को हेल्प करने का। बैठो। हंसा तो फंसा जल्दी। दो चाय ले आ। अच्छा, एक बात बताओ, ये शेर सिंह ही शेखर है क्या? जी जी जी, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। अरे साईं, गारंटी तो हिट और फ्लॉप का नहीं होता है, तो आदमी का कैसा देगा है? एकदम क्लियर। संदीप, शेर सिंह को ले आओ। शेर सिंह, तुम्हारी जमानत हो गई है, लेकिन ये मत समझो कि तुम आजाद हो। तो मैं क्या हूं? देखो शेर सिंह, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाँ जी। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सही हो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आगे से तुम निशा के घर नहीं जा सकते। तो आगे से नहीं जा सकता तो पीछे से तो जा ही सकता हूँ ना? अरे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से नहीं जा सकते। तो फिर ये कौन सी हेल्प हुई? नहीं, कौन सी हेल्प हुई है? इधर आओ, इधर आओ। ये जो शेखर है ना, शेखर शेखर है ना? शेखर नहीं है वो, ही इज नॉट अ ब्लडी शेखर। जो भी है, शेखर और शेर सिंह दोनों मैं हूं, बैरूपिया है वो। इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अच्छा, ऊपर वाले इन्वॉल्व है इसके? और क्या, होए तेरी तो। मुझे ऑर्डर मिले हैं कि इस केस को सख्त से सख्त तरीके से संभालो। ओह, इसलिए तो मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। ओए कमाल है यार, कानून के हाथ बंधे हुए हैं, हैं? मुजरिम के हाथ खुले हुए हैं, और पब्लिक का तो हाथ ही नहीं होता। मेरा मतलब है, किसी भी मैटर में पब्लिक का हाथ होता ही नहीं ना, और जिनका हाथ होता है उन पर तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं है हाथ डालने की। ये हाथ क्या है यार? हाथ नहीं, मेरा मतलब है कि माजरा क्या है? और तुझे छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट मेरी गल सुनो। मुझ गरीब को इमोशनली पुलिस हेल्प करना चाह रही है ना, तुझे हेल्प करना चाह रहे हो ना मुझ गरीब को? बोलो, बोलो। एक सजेशन फेंको। बोलो ना। फेक एनकाउंटर में काम करते इसको। अच्छा छोड़ो, नाराज मत हो, दूसरी फेंकता हूँ मैं, मार देता हूँ, फिर संभाल लेना बाद में। तुम टेबल से उतरो ना। नहीं नहीं, देखो
इसको यहाँ से ले जाओ, नहीं तो तुम दोनों को अंदर कर दूंगा। कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? सुनो जी साहब, एक चाय लेना। हो साहब, और साथ में सरदर्द की गोली भी। अच्छा साहब। शेखर साहब, हाय यार, ये लीजिए, चेक पास हो गया। अरे तुमने साइन की कॉपी इतनी अच्छी तरह से की थी कि किसी को शक ही नहीं हुआ। ये 5 लाख का चेक है, इस पे जरा साइन कर दीजिए। एक और बड़े साहब से बात हो गई, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, गो अहेड। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा लालची होते जा रहे हैं? अरे यार क्या करें, इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। पापा पापा बॉल, शट अप। तुमसे कितनी बार कहा कि जब हम लोग बात किया करते तो बीच में मत आया करो, और तुम क्या करती हो, शक्ल देखती रहती हो? चल जाओ ऐसे। चलो टुक टुक। शबाश शबाश सोए हुए शेर दे पुत्रों, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा हाँ कि वो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, जबकि तुम दोनों तू हो हैं? पापा वो आदमी तो सिगरेट पीता है, और आप तो सिगरेट से ऐसे चिढ़ते हो जैसे कि मम्मी आपसे चिढ़ती है। चुप कर, चालू दा पुत्र, मेरे जले हुए पे नमक मत डालो। अरे हो सके तो दोनों मिलके कुछ सोचो, क्योंकि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। पापा हम उसका सिगरेट का पैकेट चुरा कर पुलिस को दे दे? नहीं बेटा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे कई सबूत धुआं कर चुका है, वो बड़ा धुआंधार विलन है, उसको है ना मैं धुआं धुआं करूंगा। लेकिन बेटा इससे पहले तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखना होगा, और अब मेरी इज्जत या तो तुम्हारे मम्मी के लत में या तो तुम्हारे हाथ में। पापा आप चिंता मत करो, मैं उसका हर गाना रोना बना दूंगा। शबाश। तुम है तन्हाई है, मेरी शामत आई है, बाहों में आ जाओ जी, इस दिल को समझाओ जी, और महका हुआ है नशीला समा दिल दीवाना, बस में नहीं बस में नहीं। हम तुम है तन्हाई है, मेरी शामत आई है, हाँ बाहों में आ जाओ जी, इस दिल को समझाओ जी, नशीला समा दिल दीवाना, बस में नहीं बस में नहीं। जाके जाके है सो अरमां, हो आने को है यहाँ तूफान, जाके जाके है सो अरमां, हो आने को है यहाँ तूफान। मानो मेरा आज कहना, जाने दो ना, हाँ मानो मेरा आज कहना, हाँ जाने दो ना, थोड़ी सी दूरी ये बातें जरूरी अधूरी, रहने दो जी रहने दो जी। हम तुम है तन्हाई है, मेरी शामत आई है, बाहों में आ जाओ जी, इस दिल को समझाओ जी।
है छाए हलचल। हाँ ठहरो जरा ठहरो दो पल। सांसों में है छाए हलचल। हाँ ठहरो जरा ठहरो दो पल। हाँ छूलूं जरा तेरा चेहरा पागल तू हो जाएगा। ओ छूलूं जरा तेरा चेहरा पागल तू हो जाएगा। बड़ी बेखुदी है बहुत ही बुरी है मेरी जान। दिल की लगी हम तुम है तन्हाई है मेरी शामत आई है। बाहों में आ जाओ जी इस दिल को समझाओ भी। बस में नहीं बस में नहीं बस में नहीं। ओए कमाल कर दिया चालू दे पुत्रों कमाल कर दिया है बिल्कुल बिल्कुल कमाल कर दिया। अबे काम करो तुम ही लोग मुझे आइडिया दो। माइंड मत करना यार वो दुनिया के टॉर्चर सहसे करना मेरा माइंड बिल्कुल परेशान हो गया है। अब तुम लोग मुझे कुछ थॉट दो। अरे पापा आप इतनी कहानियाँ लिखते हो अपनी कहानी नहीं ठीक कर सकते हो। अबे ओए ओ स्क्रिप्ट राइटर की औलाद और क्या कह दिया तूने। वाह वाह तो मैंने कहा कि मैंने अर्ज किया है कि किसी का पेन छिन गया किसी का अच्छा टाइम था मगर गया। अब चंद विलन को बड़ी परेशानी होगी क्योंकि जो हम लिखेंगे वही कहानी होगी इसकी तो मौत। अरे पापा और गाली नहीं दे रही यार आ जाओ। पता नहीं कैसी मुसीबतें आ गई हैं। अरे पैसों को छोड़ो जान जान है तो जहान है वरना सब शमशान है। पता नहीं क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है। नमस्ते। शनि की दृष्टि वक्र है और साथ में राहु केतु की युति चल रही है यानी कि समय बड़ा भारी चल रहा है इसकी जान को खतरा है। आपकी जान को नॉनसेंस है। और तुम जुम गए देखा बाबा अगर ये नारियल 2 इंच इधर पड़ता तो तुम्हारे इस नारियल का क्या होता। नहीं नहीं इसलिए कहता हूँ ये आज का तीसरा घात था और चौथे घात से तो भोलेनाथ ही बचा। रुक जा बच्चा रुक जा गुरुदेव से मुख मोड़ के मत जा गुरुदेव अंतर्यामी हैं। अरे अरे हमें यमदूत का वाहन आता हुआ नजर आ रहा है वो देखो। महाराज क्या करना चाहिए। तुम्हें अपने पति के प्राणों की रक्षा करनी होगी उसकी घात को टालने के लिए महाव्रत रखना होगा 21 दिन का महाव्रत रखोगी। जी 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 रखूंगी महाराज रखूंगी। बच्ची व्रत का मतलब जानती हो। सिर्फ खाने पीने का संयम नहीं हर बात पे संयम रखना होगा। फ्रिज से लेकर पति देव तक कीप सेफ डिस्टेंस का लेबल लगाना होगा। मुझे मंजूर है महाराज अब जो कहेंगे मैं करूंगी। निशा आई डोंट बिलीव दिस आई डोंट टर्न टू आई डोंट मुझे छुओ मत दूर हटो दूर हटो। महाराज महाराज सॉरी नो टच। निशा इन बातों में विश्वास मत रखो। कहा ना मैंने निशा छुओ मत मुझे हो जाए गुरुदेव दूर हटो। रिलैक्स मैन रिलैक्स 21 दिन तो यूं निकल जाएंगे यूं। बकवास मत किया करो ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया। बड़े साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें फिक्र हो रही थी कि फ्रस्ट्रेटेड होकर कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा काम न कर बैठो। कहाँ है वो बुलाओ। अभी बुला कर लाता हूँ। राव साहब इंस्पेक्टर साहब आइए आइए क्या बात है। अपने बड़े साहब को बुला लो उन्हीं के सामने बात कर लेते हैं। बड़े साहब कौन बड़े साहब यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। राव तुम्हें कैसे पता चला कि आईने के पीछे मैं हूं। मिस्टर बलदेव चोपड़ा मुझे पता चल गया कि हर चीज के पीछे तुम ही हो।
राव से गद्दारी करवाने के पीछे तुम हो, शेर सिंह की बर्बादी के पीछे भी तुम हो, और इसे नकली शेखर बनाने के पीछे भी तुम ही हो। नकली शेखर? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, जानते भी हो क्या बोल रहे हो तुम? जितना मैं जानता वो तुम सबको जिंदगी भर जेल भिजवाने के लिए काफी है। याद है वो रात जब आपके बेटे विकी ने निशा के पिताजी का कत्ल किया था? इंस्पेक्टर, आगे नहीं आना, मैं गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा इंस्पेक्टर। उस हादसे में कई लोग मारे गए लेकिन विकी बच गया। डैडी, और जब वो आपके सामने पहुंचा तो हैरत और खुशी से आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विकी, डैडी, तू जिंदा है? डैडी, थैंक गॉड तू जिंदा है। और फिर विकी का जला हुआ चेहरा प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोदी ने ठीक किया। डॉक्टर साहब, आपने कमाल कर दिया, कोई कह भी नहीं सकता कि विकी का चेहरा जल गया था। अरे ये तो कुछ भी नहीं है चोपड़ा साहब, आपको तो पता है कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। अगर मैं चाहूं तो इसका चेहरा आपको और आपका चेहरा इसको दे सकता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। विकी का चेहरा तो ठीक हो गया लेकिन उसकी किस्मत नहीं, खून के इल्जाम से बचा रहे इसलिए खुद अपने ही घर में बंदी होकर रह गया विकी। लेकिन उसी वक्त राव साहब ने आपको बताया कि शेखर ने उसके 50 लाख के घपले को पकड़ लिया। राव, तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तू 50 लाख का इंतजाम कर ले या फिर जेल चला जा। नहीं, एक तीसरा रास्ता भी है मेरे पास, मैं शेखर को ब्लैकमेल करूंगा। ब्लैकमेल करेगा? हाँ, उसने निशा के अलावा एक और शादी की है और अब अपनी दोनों बीवियों को यह जता रहा है कि वो एक नहीं दो अलग अलग इंसान हैं, एक शेर सिंह और एक शेखर। तुमने मुझे 50 करोड़ का राज बताया है। हाँ? और उसी वक्त आपके दिमाग में इस खतरनाक चाल ने जन्म लिया और एक बार फिर आपने अपने बेटे विकी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। कहानी तो बड़ी दिलचस्प सुनाई आपने इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपके पास इसका कोई सबूत भी है? अच्छा, इंस्पेक्टर नायक। बड़े से बड़ा मुजरिम भी छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा जाता है विक्की, और तुमने भी वही गलती की डॉक्टर मोदी को 5 लाख का चेक देकर। तब मैंने सोचा कि आखिर शेखर और एक प्लास्टिक सर्जन के बीच क्या लेना देना, बस तो डॉक्टर साहब को रूटीन इंक्वायरी के लिए बुला लिया। बेचारे शरीफ आदमी सब कुछ तोते की तरह पट 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 बोलने लगे। चोपड़ा साहब, कहानी खत्म। अब आप सब जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए कमान, हमसे जेल में चक्की पिसवा कर तुम्हें क्या मिल जाएगा इंस्पेक्टर? अखबार के किसी तीसरे चौथे पन्ने में तुम्हारा नाम छप जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें पता है कि आप एक बहुत ही ईमानदार इंसान हैं, लेकिन ईमानदारी के चूल्हे पर सिर्फ आदर्शों की खिचड़ी पकती है, सपनों के पकवान खाने हो तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी पड़ती है। क्यों यार? हाँ इंस्पेक्टर, इस राज को छुपाने के लिए और हमसे हाथ मिलाने के लिए हम तुम्हें 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ Oh God. चार दिन दा प्यार हो रबा बड़ी लंबी। ओए तू, मैंने रोटी दे रही है कि रोटी डाल रही है? मैं कहना कीप सम रिस्पेक्ट। गुड। दूध क्यों नहीं पिया? मुझे नहीं पीना। तो फिर क्या अपने बाप की तरह मेरा खून पीना है? जब देखो तब से। ओए, बच्चे को क्यों मार रही है? तो क्या इसकी सारी जिदें पूरी कर इसे भी आवारा बनने दूं ताकि बड़ा होकर ये भी अपने बाप की तरह गुल खिलाए? ओए, बिहेव योरसेल्फ,
बता तो चुका हूँ किन हालात में शादी हुई है। ढोलक बन गया हूँ इमोशन में, कभी इधर से बज रहा हूँ कभी उधर से बज रहा हूँ। अरे ढोल की पोल खुली तो मुंह खुला, मन में पाप नहीं होता ना तो जिस टाइम शादी की थी उसी टाइम आके गांव में बता देते, शादी माफ भी कर देती, पर नहीं 7 साल तक धूल के फूल खिलने दिए। रात रात भर स्टोरी सिटिंग चलती थी, अब पता चला किसके साथ और कहां सिटिंग होती थी। कहते थे निशा से मत मिलना, मिलने से हमारे बच्चों में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स? अरे ये नहीं कहा कि भांडा फूट जाएगा, खुद से फोन में लंबी चौड़ी बातें क्या करते थे। हेलो शेखर जी कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है, डबल रोल की कैसे दिखाते थे। मैं चली समझ ना सकी कि चोर की दाढ़ी में। ओए बंद कर अपना रिकॉर्ड, हैं खाना खाने देगी कि नहीं, जितनी बार निवाला मुंह को लगाता हूँ कुछ सुना डालती है। हाँ खाने नहीं देना था तो खाना दिया क्यों, वो देगा किसका फोन है, उठा। हेलो हेलो स्वीटी की हाल है पुत्र। बहू जी। हेलो स्वीटी की हाल है पुत्र। हेलो कौन बोल रहा है, मेरी वोटी को ला दिया। और कौन बोल रहा है? दामाद जी मैं बोल रहा हूँ। ओ भाऊजी, ओ भाऊजी पैरी पहना। ओ पैरी पहना ठीक है, लेकिन ये स्वीटी रो क्यों रही है? ओ कुछ नहीं इमोशनल हो गई, वो बोलती है अजीब कार्टून टाइप की फैमिली है मेरी, महीनों महीना मेरे साथ कॉन्टेक्ट नहीं करते। मुझे दीजिए ना मैं बात करती हूँ ना, पुत्र स्वीटी को दो। नहीं वो रो के चलेगी उसको। हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। अरे जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। नहीं और जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हाँ कट गया लगता है, आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही, चिल्ला चिल्ला के मेरी आवाज में की पता है। पता है, लेकिन जब उनको पता चलेगा तुम्हारे लफड़ों का तो तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। अरे कब्र तो मैं खोदूंगा उस बदमाश की जिसने मेरी मस्के जैसी जिंदगी को भूल भुलैया बना रखा है। मगर यारो आखिर मेरा ये हमशक्ल मुझसे चाहता क्या है? अरे दौलत चाहता है यार, और क्या दौलत, ये क्लियर करेंगे। अरे चलिया सुन, अगर इसको दालत में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो शेखर बन के निशा के पास क्यों जाता, शेर सिंह बन के स्वीटी के पास भी तो जा सकता था। अब चक्कर समझ में आया। शुक्र है इसको समझ में तो आया, लगता है बैंक में चक्कर लगाना ही पड़ेगा। वाह वाह, शेर सिंह ने अपने सिग्नेचर बदल दिए, ये मोदी को अपने पैसे मिल गए, राव को अपने पैसे मिल गए और तुम्हें भी अपने पैसे मिल गए, लेकिन जब मेरा वक्त आया तो शेर सिंह ने अपने सिग्नेचर बदल दिए। पांगे शेर सिंह को जितना तुम भोला और मासूम समझते हो उतना वो है नहीं, वो कमीना राइटर भी है और फाइटर भी, और उसने मुझे टोटे टोटे कर देने की धमकी भी दी है। ये टोटे टोटे क्या होता है? यही टुकड़े टुकड़े। वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ बेईमानी की मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पांगे पांगे के साथ पंगा मत लेना। मुझे मेरे पैसे एक हफ्ते के अंदर मिल जाने चाहिए, समझ गए ना, वरना। पांगे साहब सुनिए, पांगे साहब बात तो सुनिए। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पैसे का बंदोबस्त मैं कर लूंगा और फंसेगा शेर सिंह। ओए अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, रोज रोज पता नहीं हजारों मुसीबतें आ जाती है, आप भी आ जाओ। और कौन है भाई? अरे और कोई बोलेगा नहीं, मेरी बच्ची। अरे ओए पुत्र। ओ ससुर जी, ओ ससुर जी पैरी पहना, ओ सासू जी पैरी पहना, बगैर बताए कैसे हुआ आना? लोग बगैर बताए दूसरी शादी कर लेते हैं, हम बगैर बताए कहीं आ जा भी नहीं सकते। पानी लाना पुत्र, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर हमारी बेटी खुश नहीं रह सकती तो आपकी बहन को भी मुस्कुराने का कोई हक नहीं है। हाँ तुम अपनी दूसरी पत्नी और उसका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, या तो अपनी बहन को अपने पास रख लो। ले वोटी खाना नहीं खाने देती, उसका भाई पानी नहीं पीने देता। चलो स्वीटी। कहाँ? अपने घर। मेरा घर तो यही है, और मैं अपना घर छोड़ के परायों के साथ क्यों जाऊं? पराए? शादी के बाद अगर बेटी पराई हो जाती है तो बेटी के लिए भी उसके घर वाले पराए हुए ना। और प्राजी, पराए लोगों के घर की चिंगारी से अपना संसार नहीं चलाते। फेरे लेते वक्त जिसके साथ सुख दुख में साथ निभाने की कसमें खाई थी, आज उसी को छोड़ देना चाहते हो, क्या गलती है इसकी? लेकिन बेटी, अब आपके घर की बेटी ये है, और अगर किसी ने इसे तकलीफ पहुंचाई ना तो अपनी इस बेटी का मरा हुआ मुंह देखेंगे आप लोग।
चलो बेटी। एक मिनट इस तरह कैसे जा सकते हैं आप लोग? अब चाय पानी तो पी के जाइए। हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। आप तो इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे मैं आपके घर आऊंगा तो आप बोली चाय भी नहीं पूछेंगे। आपको जो समझना है आप समझिए। चलो चलते हैं। चलो नहीं नीचे तक आ रहा हूँ, गेट तक आ रहा हूँ। आजा आजा आजा। स्वीटी स्वीटी तू ग्रेट है स्वीटी। मैं तो कहता हूँ कि तू औरत ही नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है कि तू देवी है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तूने जो हमारे घर के लिए किया है ना, बहुत बड़ा दिल है तेरा, बहुत बड़ा। भी नहीं है खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो। ओए मैंने हाथ लगाया, हाथ उठाया तो नहीं है तुझ पे? ओ तुम्हारा हाथ लगाना हाथ उठाना सेम हैगा। अच्छा अब मेरा हाथ लगाना और मेरा हाथ उठाना दोनों सेम हो गया है? कोई बात नहीं सूटी, कोई बात नहीं, ले मार मुझे मार। आज जो तूने छुटकी के लिए किया है ना, उसके बाद तू एक बार क्या मुझे हजार बार भी मारेगी ना, मैं उफ नहीं करूंगा। उफ, उफ, उफ। और मार मुझे सूटी, और मार 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 के मुझे घर से बाहर निकाल दे। कहाँ जानती हूँ, अब यही जानती हूँ, मैं आपको घर से बाहर निकाल दूँ ताकि सीधा आप इस घर से निकल के उस घर चले जाओ। क्या करूं इस आदमी का? क्या करेगी इस आदमी का? ओए आदमी ओए तो ना, मैं तो ढोलक बन गया हूँ। कभी इधर से बज रहा हूँ, कभी इधर से बज रहा हूँ, और मुझे तो लगता है कि बहुत ही जल्द मैं ड्रम में तब्दील हो जाऊंगा। अरे तुम रो रहे हो बाबा? मेरे पापा बहुत परेशान है दीदी, वो ढोलक से ड्रम बन गए है। ड्रम? मेरी मम्मी उनके साथ बात नहीं करती और छोटी मम्मी उन्हें बात नहीं करने देती। इस नकली पापा ने मेरे पापा को बहुत टेंशन में डाल दिया। मैं क्या करूं दीदी, मैं क्या करूं? एक बात बताओ। हैं जी। अबे मुझसे पूछ रही है। इतने जरूरी कागजात तो मेरे लॉकर में क्यों रख रहे हो? अंदर चलो बताता हूँ। बेटा तुम यही बैठो, अंदर आओ। No mischief, okay? ये सब शेर सिंह की वजह से कर रहा हूँ मैं। पता नहीं उसको हमारे बारे में क्या क्या पता है। कभी इम्पोर्टेंट पेपर मार ले तो? सही कह रहे हो, तो मुझे तो कुछ चोरी भी तो कर सकता है। हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे शक है शेर सिंह बाहर है, बैग यहाँ रखा हुआ है। हेलो 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 सुनो, प्रॉपर्टी के पेपर अंदर रख लिए? हाँ रख दी। और अंदर की ज्वेलरी बैग में रख दी कि नहीं? ज्वेलरी रखने की क्या जरूरत है? और तू ज्वेलरी नहीं रखेगी तो मेरी वोटी क्या पहनेगी? अब पहचाना नहीं? हाँ ऊपर शेखर, अंदर शेर सिंह। शेर सिंह? हाँ नहीं। हाँ नहीं। हाँ हाँ नहीं। हाँ यस दिन धारे डाका। अच्छा ये मैनेजर साहब थे ना? निशा, शेर सिंह ने तुम्हें ही नहीं मुझे भी बेहोश कर दिया। ये देखो। पापा पापा आप यहाँ बैठे, भागो यहाँ से। लेकिन बेटा क्या हुआ? डुप्लीकेट पापा ने आप बनकर मम्मी के सारे गहने चुरा लिए हैं। हाँ, है? पुलिस आपको ढूंढ रही है। तुम लोग यहीं ठहरो। माय बाप, कानून से भाग रहे थे? इंस्पेक्टर साहब मैं कानून से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि भाग के कानून के पास आ रहा था। और आजकल मेरा नसीब इतना अच्छा चल रहा है कि जमानत मेरे साथ चलती है। चेला रमानी जी मुलाकात कीजिए। अरे यार लगता है मेरा बचा कुछ पैसा सब तेरी जमानत में खर्च हो जाएगा यार। देखो समझ जाओ, आखिरी बार मैं जमानत मंजूर कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि अब मैं उस बैरूपिया का ऐसा हाल करूंगा कि उसके कान हिल जाएंगे और उसका दिल बहरा हो जाएगा। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि उसका दिल हिल जाएगा और कान बहरे हो जाएंगे? हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही कुछ है। अच्छा तुम करोगे क्या? लेकिन अरे मैं ऐसा कुछ करूंगा कि उसकी आत्मा सोचने में मजबूर हो जाएगी
और उसका दिमाग जो है वो कांप उठेगा। दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा और आत्मा कांप उठेगी। हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही कुछ है। लेकिन तुम करोगे क्या? वो तो जब मुझे पता लग जाएगा तो मैं आपको कर ही दूंगा। क्या? अरे नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब है जब ये करेगा तो आपको तो पता चली जाएगा ना। अबे तू करेगा क्या? आप तो ऐसे चला रहे जैसे आप अपोजिट पार्टी के आदमी है। नहीं, अभी तो मैंने खुद ही नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगा, तो आपको कैसे बता दूं? लेकिन एक बात पक्की है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर। कुछ ना कुछ? ये कुछ ना कुछ क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। अरे तुमको पता लगाना चाहिए था कि उसके दिमाग में कुछ तो होगा। अरे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब तक वो सोच न ले कि वो क्या करने वाला है, तब तक हम ये सोच सोच के डरते रहे कि वो क्या सोचने वाला है। तब तक हमारे दिल में कुछ कुछ होता रहेगा। लेकिन तुमने उसका कुछ किया क्यों नहीं? हाँ, तुम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। अरे कुछ नहीं तो कम से कम 4 महीने के लिए अंदर कर डालते साले को। ओ हेलो, क्या हमारे बाप का राज चल रहा है क्या कि कुछ भी कर ले? छोटे मोटे जुर्म में कुछ नहीं होता है, जमानत पर निकल आएगा वो। कोई कोई बड़ा इल्जाम होना चाहिए। मर्डर 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 के चक्कर में अटका डालो साले को। ऐसे चक्कर में मैं उसे सीधे एनकाउंटर में उड़ा दूंगा। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी तो वो निशा मेरे विक्की की होगी और सारी दौलत हमारी होगी। विक्की? मतलब ये तो। और एक बात का ख्याल रखना, ऐसा नहीं हो कि तुम उसको एनकाउंटर करने ले जाओ और वहां पर वो तुमको मार के भाग जाए साला। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। अरे कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ? I don't trust that guy. नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई ठाक रहा था। कौन? हेलो जी, बोलिए कौन? सर, मैं मैगी बोल रही हूँ सर। हाँ, मैं नूडल बोल रहा हूँ, बोलो जी। अरे नहीं यार, मेरा बोलने का मतलब है कि मैं साहब बोल रहा हूँ, मैगी बोल। सर सर, मुझे पता चल गया है कि आपका हमशक्ल कौन है और ये सारी चालें किसकी हैं। किसकी चाल है मैगी? बोल बोल, तू बोल। वो मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती सर, मेरी जान को खतरा है। मुझे लगता है वो लोग अब जितनी जल्दी हो सके विक्टोरिया फाउंटेन आ जाइए सर। मैं अभी कपड़ा चेंज करता हूँ, नहाता धोता हूँ और विक्टोरिया निकलता हूँ। जिस हालत में भी है जल्दी आ जाइए सर। मैं एक मिनट में आ, तो होल्ड कर। रुक जा रिक्शा, रुक जा। छुट्टा नहीं साहब। ठीक है चल। अच्छा साहब। और मैगी? यार मुझे नूडल बना के कहाँ चली गई मैगी? और मैगी? ओए मैगी, ओ मैगी। हाँ हूँ, बता हूँ बता, वो कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं और तुझे क्या पता है? ओए मैगी, और मैं तो उससे बात कर रहा हूँ और तू भूत की तरह उधर क्या देख रही है, और तू समझती नहीं है मैगी। ओ मेरे जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं। ओए मैगी, और तुझे क्या हो गया मैगी? मैगी, ओ इसका तो इन लोगों ने काम कर दिया, और ये प्रॉब्लम मेरे गले ना पड़ जाए। अब पजले शेर सिंह, उठो उठो उठो। ओ यार, ओ मौका है वारदात पे, मैं इससे बड़ा सबूत को छोड़ ही नहीं सकता। और मेरी लुंगी कब छोटी? लुंगी? हाँ, कुछ मिला? ये लुंगी मिली साहब। अरे ये लुंगी, अरे ये तो शेर सिंह की लुंगी है। इसका मतलब ये खून शेर सिंह ने ही किया है। शेर सिंह, कमाल है, पुलिस तुम्हें पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है और तुम यहाँ आजाद पंछी की तरह घूम रहे हो। हाँ, लेकिन फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। हमने वो नकली शेखर के खिलाफ ऐसा सबूत ढूंढा है कि उसको जेल में जाने से पुलिस भी नहीं रोक सकता। हाँ। ये दोनों बेवकूफ मुझे शेर सिंह समझ रहे हैं। अच्छा, वैसे वो सबूत मिलेगा कहाँ? यहाँ नहीं। तो फिर कहाँ? बोलिए। वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ये देखो। तो यह है वो सबूत। इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की। इसको बोलते हैं चीटर के साथ चीटिंग। चलो अपने कपड़े उतारो। कपड़े क्यों उतारो? अरे तू कपड़े नहीं उतारेगा तो वो शेखर कैसे बनेगा और तू शेर सिंह कैसे बनेगा? और तुम शेर सिंह नहीं बनोगे तो पुलिस तुम्हारे पीछे कैसे पड़ेगी? अबे क्या ट्रांसफर करवा दूंगा शेर सिंह, मैं कहता हूं रुक जाओ शेर सिंह, रुक शेर सिंह।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मुझे कहाँ होना चाहिए था? अपने पापा के बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे? इसका बाप भी कमीने का। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं अपने पापा का बर्थडे कैसे भूल गया। इसीलिए तो कहता हूँ इतना नशा मत किया करो, जाओ जाओ जल्दी पार्टी में। हाँ, पार्टी? और तुम नहीं चल रहे पार्टी में? भूल गए? अरे निशा की दौलत से जो प्राइवेट प्लेन हमने खरीदा है, आज उसकी डिलीवरी है। ओ, मेरी बीवी के पैसे से प्लेन खरीद लिया। सुना? हाँ। तुम्हारी जो चमक चलो छप्पन चूरी है ना, हाँ। वो घर में तो हाथ लगाने नहीं देती है, उसे प्लेन में ले जाओ, मजे उड़ाओ। तेरी क्या हुआ? इतना अच्छा आइडिया पहले क्यों नहीं दिया? मुझे पता है तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे आइडिया होंगे। गाड़ी में बात करते चले, चलो पार्टी में। चलो तेरी। भाई दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। चोपड़ा साहब। ओहो, आइए आइए। कैसे भाई, अच्छे हो ना? चोपड़ा साहब, हे राव, वेलकम वेलकम। और विक्की का बाप। Thank you, many यार. Many happy returns of the day. Thank you यार. दिन भी अपना है, रात भी अपनी है. रात अच्छी होनी चाहिए आज की, है ना? अरे बेटा, तू वहाँ क्यों खड़ा यार? बाप के गले नहीं लगेगा, हैं? आजा आजा. Daddy, Daddy, Daddy. God bless you son. Thank you Daddy. अरे राव, हाँ? मैंने तुमसे कुछ काम करने को कहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसी काम से जा रहा था, लेकिन विकी ने जबरदस्ती मुझे। विकी नहीं, और राव चोपड़ा के लिए काम करता है, मेरी कंपनी में घुसा हुआ है, विकी के लिए भी यही काम करता है। चोपड़ा साहब, हे डॉक, और डॉक्टर भी मिला हुआ है, राव भी मिला हुआ है, चोपड़ा भी मिला हुआ है। अरे शेखर, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक ठीक ठाक, एब्सोल्युटली फाइन। जरा देखें। हाँ बिल्कुल ठीक तो है भाई। हाँ बिल्कुल ठीक तो आई है। मैंने तुम्हें कहा था, हाँ? कि मेरी बताई हुई टैबलेट्स लोगे तो सब ठीक हो जाएगा भाई। कौन सी दवाई है? प्लास्टिक सर्जरी में होता है कभी कभी ऐसा, एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाना कोई आसान काम तो है नहीं ना। अब इरिटेशन तो नहीं हो रही ना इधर? नहीं नहीं, आहिस्ते आहिस्ते ना जो चारों तरफ की इचिंग जो है वो सेटल हो जाएगी।
भटक 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 करता है प्यार किसी से तो कह दे बेधड़क, मरता है यार किसी पे तो कह दे बेधड़क। मेरी खामोशी से मेरी अश्वी में जाएगा दिल मेरा तड़प 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 करता है प्यार किसी से तो कह दे बेधड़क, मरता है यार किसी पे तो कह दे बेधड़क। होता है होता है। आ जा जा विकी। अरे ये क्या सुबह सुबह शेर सिंह जैसे कपड़े पहन के क्यों फिर रहा है? ये कपड़े मैंने पहने नहीं है, मुझे पहनाया गया है और मैं फिर नहीं रहा हूँ, मैं पुलिस से बचता फिर रहा हूँ। क्या बक रहे हो तुम? कल रात तो तुम हमारे साथ पार्टी में थे। अरे वो मैंने वो शेर सिंह था। What? हाँ मेरे तो खुद कल रात को पार्टियां गोल होते थे बचा है। साफ साफ बोलना तू क्या कह रहा है। अरे डैड वो शेर सिंह के चंगू मंगू मुझे शेर सिंह के पास ले गए, फिर मुझे शेर सिंह बुला के पुलिस को मेरे पीछे दौड़ा दिया क्या, और खुद आप लोगों की पार्टी में विक्की बनकर आ गया। ओह माय गॉड। हाय डैड। डैड ये शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? शट अप, मैं शेर सिंह नहीं हूँ। तो क्या गीदड़ सिंह हो? डैड डैड मैं विक्की हूँ, आपका खून। अरे अगर तू इनका खून है तो मैं क्या ना खून हूँ? तुझे क्या लगता है तू बोलेगा ये लोग मान लेंगे? तुझे क्या ये लोग बेवकूफ गधे उल्लू के पट्टे अकल के कच्चे और डफर के बच्चे लगते हैं? ठहर अभी पांगे आएगा और तेरी बारात निकालेगा यहाँ से। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, पांगे पहुंच गया और सब कुछ सुन भी लिया है। ये कह रहा है कि ये विकी है और तुम भी कह रहे हो कि तुम विकी हो। चलो तुम साबित करो कि तुम सच बोल रहे हो। हाँ हाँ अभी दो मिनट में पता चल जाएगा कि कौन क्या है। क्या सबूत है बोलो। डैडी क्या सबूत चाहिए आपको? वो सबूत चाहिए जो पास्कल के अड्डे पर पहली बार बैठकर मैंने सुट्टा मारा था और आपने मुझे पकड़ लिया था, या फिर वो रिवॉल्वर देखनी है आपको जिससे मैंने निशा के डैडी का खून किया, या फिर वो पासपोर्ट देखना है आपको जो राव साहब शेखर के घर से चुरा कर लाए थे और उन्होंने मुझे सौंप दिया था। डैड ये हमारे नुस्खे हमें प्याज मारा है, इसने रात को शराब के नशे में आप लोगों से सब कुछ उगलवा लिया और अब होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। अरे यार राव साहब मैं विकी हूँ यार, कमॉन यार आई एम विकी यार। अबे तेरी लुंगी से लेकर तेरे कुर्ते तक और तेरे हुलिये से लेकर तेरे रवैये तक हर बात चीख चीख के कहती है कि तू शेर सिंह है। Hey, hold it! अगर तू विक्की है तो ये बता कि राव साहब ने जो वीडियो कैसेट बनाई थी जिसे स्टडी करके मैं शेखर बना वो कैसेट कहाँ है? वो कैसेट मेरे हेल्थ क्लब के लॉकर में है और अब तू मुझे लॉकर का नंबर पूछेगा तो लॉकर का नंबर है 111। ये कौवा मेरी जिंदगी में आ गया, इसे उड़ाओ राव साहब इसे उड़ाओ। ए! ये कौवे वाली बात से कुछ याद आया, ये शेर सिंह की जुबान है, अभी देखना इसी के मुंह से इसकी सच्चाई उगलवाता हूँ। हाँ भाई अच्छा एक बात बता, अगर तू वाकई विक्की है और जब तू शेर सिंह के पास गया था और तूने उसकी कंपनी की टर्नओवर के बारे में पूछा था तो उसने एग्जैक्टली क्या कहा था तुझसे? और यही क्यों है, हम लोग पंजाबी आदमी है, कंपनी के टर्नओवर फर्नओवर नहीं देखते, दूध तेल सीते मस्तीते दुनिया दी ठाओ। ये हो गया साबित, पंजाबी आदमी कौन था? शेर सिंह। खा पी कर मस्त कौन रहता था? शेर सिंह। तो फिर यही है शेर सिंह। डैड आप लोग राव साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? तू क्या आपको बेवकूफ समझता है? हैं? हम तेरी कोई बात मानने वाले नहीं है, तू शेर सिंह है और ये विकी है, ये साबित हो चुका है। डैड होश में आ जाइए वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। क्या बोला? बाप पे हाथ उठाने की बात करता है? ये तो मेरा बेटा हो नहीं सकता। डॉक्टर निकाल लेजर वाला बैंड, कॉलेज के हाथ में शेर सिंह, एसएस लिख दे एसएस। हाउ शूट एवरीबॉडी। ये एक चंद्रमुखी तो दूसरी पारो, बंदा तो ऐसे ही देवदास हो जाए। हेलो तुसी आ गए? हाँ मैं आ गया। जी आइए आइए, जरा आपकी पूजा कर लूं, आरती उतार लूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातें मत बना, एक चाय बना मेरे लिए। ओ जी चाय शाय भी पी लेंगे, पहले बीजी को बता तो दूं, उनका शेर पुत्र आया है। साली ये मुझे शेर तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं लोमड़ी हूँ, लेकिन उस हराम खोर को तो फोन करूं। देखना भाई शायद पांगे का फोन होगा। हेलो शेर सिंह। हाँ? पांगे नहीं है। हाँ? थोड़ा मजा लेता हूँ, देखता हूँ कौन। या हु इज दैट? मैं विक्की बोल रहा हूँ। अभी भी बोल रहा है?
बोल, मालूम है कहाँ से बोल रहा हूँ? मुंह के अलावा भी कहीं से बोलता है क्या तू? तेरे घर से बोल रहा हूँ बे। अच्छा, वहाँ से बोल रहा है? वहाँ तो मेरी बोलती बंद हो जाती, तू कैसे बोल रहा है बे? मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ बल्कि देख भी रहा हूँ। मेरे सामने तुम्हारी खूबसूरत बीवी आए, उधर तो तूने व्रत रखवा दिया था, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अबे उल्लू की दुम, तेरा रॉन्ग नंबर लग गया है और बहुत जल्द तेरी लाइन डिस्टर्ब होने वाली है। हट। हेलो हेलो शेर सिंह, बड़ा बेशरम आदमी है, और ये औरतें मेरी क्या लाइन डिस्टर्ब करेंगी? चेक करता हूँ। ओए स्वीटी, क्या है? बेडरूम में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हारे साथ बेडरूम में नहीं जाना। चुपचाप बेडरूम में चल, वरना मैं जबरदस्ती करूंगा। जबरदस्ती? भाग गए। ओ बीजी, ओ भाग के दूजी के घर तो नहीं चले गए? ओ सुनो, क्या बकती हो तुम? क्या तुम मुझसे टकराई थी? मैं तुझसे टकराई थी? और नहीं तो क्या? मैं वाली, मुझे भी तो देखकर सीटी बजाई थी तूने। सी? अच्छा, पांगे के साथ पंगा? कब बजाई थी मैंने सीटी? मैंने सीटी वेटी नहीं बजाई थी। नहीं बजाई तो अब बजेगी सीटी? अरे देखो, मैं पुलिस वाला हूँ और पुलिस वाले के साथ पंगा मत लेना। पुलिस वाला है तो क्या हुआ, लड़की को छेड़ेगा? अरे कमाल है, मैंने कब छेड़ा? मैंने कब छेड़ा तुम लोगों को? मैंने कब छेड़ा? मारो मारो इसको, मैंने कब छेड़ा तुम लोगों को? अरे भाई ये लोग मुझे कब का पता नहीं चलेगा, लड़की को छेड़ेगा। रुक जाओ, हटो यहां से, हटो। सर सर, ये सब इसकी नहीं, सर ये सब इसकी नहीं, सर ये सब इन सब की चाल है। सर सर, इसने मुझे धक्का मारा है, और जब मैंने इससे पूछा कि छेड़ क्यों रहा है तो बोलता है तुम हो ही छेड़ने लायक। नहीं सर, मैं तो इस लोफर ने सीटी बजाई। सर नहीं सर, मैं कि मैं अपने पति को बुलाऊं तो कहने लगा मेरे होते पति की क्या जरूरत। नहीं सर, जानते हैं मेरे साथ क्या किया? सर साइलेंस। मिस्टर पांगे, तुमने सारे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम किया है, यू आर फायर्ड। शेर सिंह ये क्या कर रहे हो? देखो मेरी कुछ मजबूरियां थी शेर सिंह, इसलिए मैंने ऐसा किया। शेर सिंह मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये क्या कर रहे हो? अरे इधर दरवाजा नहीं खुलेगा ना जी। शेर सिंह, शेर सिंह, अगर मैं इसका स्टेयरिंग निकाल लूं तो क्या होगा? अब पापा एक्सीडेंट हो जाएगा। और बिल्कुल सही जवाब, तो ये लो। शेर सिंह देखो, बेवकूफी कर रहे हो, हम दोनों मर जाएंगे। दोनों नहीं, तू अकेला। जिस पत्नी से मैं कम प्रेम करता हूँ उसकी मृत्यु हो जाएगी? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम कुछ नहीं कह रहे, बस विधि का विधान बता रहे हैं। अरे बाप रे, बड़ा भयानक विधान है ये महाराज, बड़ा भयानक है। और क्लियर भी नहीं है किस पत्नी से कम प्रेम करता है ये और किसकी मृत्यु होगी। समय आने पर इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। मुझे उत्तर नहीं चाहिए महाराज, मेरे दो छोटे छोटे पुत्र हैं, उन दोनों को माँ की जरूरत है। ऐसी कुछ प्रार्थना कीजिए कि ये समस्या टल जाए महाराज, ये समस्या टल जाए। मतलब ये हुआ कि उसने हमारा ही दाव हम पर आजमाया है। जी हाँ, छोरी भी हमारी, गर्दन भी हमारी, और हलाल भी हमें ही किया है। डैडी, आप दुनिया के पहले बाप हैं जिसने अपने बेटे के हाथ पर उसके दुश्मन का नाम गाड़ दिया। ये क्या है, हमने तो SS खुदवाया था, ये NH कहां से आ गया? ये मैंने खुदवाया है, शेर सिंह नहीं हूं। देखो देखो, हम सब तो बच गए ना, राव साहब का क्या हुआ होगा? नो चांस, मुझे तो शक है कि वो जिंदा भी है या नहीं। अरे मर ही गया होता तो अच्छा होता। अरे राव साहब, ओ आई
राव साहब, ये क्या हालत बना रखी है? कहीं से कुछ लेकर तो नहीं आ रहे? नहीं। राव साहब, ये आपका हाल कैसे बना? उस शेर सिंह ने मुझे ऊपर से जंगल में फेंक दिया। जंगल में? और जानते हो वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं नहीं बता सकता। राव साहब आपको बताना पड़ेगा। देखिए, अच्छा ठीक है, मेरे कान में बताइए। मेरे कान में बताओ। क्या बात करते राव साहब, जंगल में भालू ने आपके साथ इस हद तक? भालू! हेलो बेटा विकी, मैं बोल रहा हूँ। डैड क्या करते हो? डैड चार दिन से तुमको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ हूँ? तू चार दिन से मुझे ढूंढ रहा था और मैं शेर सिंह को ढूंढ रहा था। क्या करते हो डैड? मैं विकी हूँ, शेर सिंह नहीं हूँ। 12 साले को सुन रहा है ना? सुन, बड़े मुश्किल से हाथ लगाए साला। तू एक काम कर बेटा, पनवेल वाली हवेली पे आ जा। हाँ, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। बहुत हो चुका है चूहा बिल्ली का खेल, आज इस खेल को खत्म कर देते हैं। खेल कोई क्या, आज तुझे भी खत्म कर दूंगा और डैड के बच्चे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी सौतन को बस इतनी खबर देने आई हूँ कि हमारे पति दुश्मन की जाल में फंस चुके हैं। तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं उन्हें कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, मेरे सिवा टुक टुक का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे का जरूर ख्याल रखना। बहू, बहू मेरी गल तो सुन। आओ बेटे आओ। डैडे, शेखर कहाँ है? शेखर? शेखर तो तुम हो। मेरा मतलब है कि शेर सिंह कहाँ है? शेर सिंह? पांगे, इसे बताओ तो सही कि शेर सिंह कहाँ है। सनज, शेर सिंह नहीं हूं। और अगर मैं शेर सिंह नहीं हूं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि शेर सिंह तुम हो। दोस्तों, इसने तुम्हारे साथ जो जो किया है ना, उसका बदला इसकी एक एक हड्डी तोड़ के लो। That's it, huh? ओए कौन नहीं लगा? सब एक तरफ आ जाओ, चलो एक तरफ। अब बोलो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? स्टॉप इट। हैं? हैं? निशा, स्वीटी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा विक्की, वरना ये 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगी। और फिर भी तू बच गया ना, तो तेरी गर्दन काट के तेरी बोटी दे टोटे टोटे कर दूंगी। ओए पागल औरतों, अरे मैं हीरो हूँ और ये विलन है, और मेरा मतलब है कि मैं शेर सिंह हूँ और ये है ना, ये वो विक्की है। और तू बोलता क्यों नहीं इन लोगों को? मैं, अरे बोलना क्या है मेरी प्यारी बीवियों, तुम लोग देखती रहोगी कि कुछ काम भी करोगी, उड़ा दो कौए को।
ओए उसकी बात सुनना नहीं वरना दोनों भी दो आ जाओगी। ये बहुत बड़ा ड्रामे बाज है, ऐसे कोई डलाक शलाक पता नहीं क्या कुछ मार रहा है। ए, खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ भी किया तुम लोगों ने, याद रखना अगर मेरे विक्की को कुछ हुआ ना तो कोई भी बच कर नहीं जाएगा यहाँ से, कोई जिंदा नहीं जाएगा। हाँ। ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, इसका बाप है ये। हाँ? सारा दुश्मन को बेटा बोल रहा है, बेटे को दुश्मन बोल रहा है, बहुत बड़ा चंटे, इसकी बात मत सुनना। अच्छा तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम लोग मेरी बात सुनो, ये तुम लोग तुम्हारा पति लग रहा है ना। हाँ, हाँ। तो इसको तो शूट कर सकता हूँ मैं। ले बर्बाद हो गए जी, लो लग गए सबके लग गए। उठ जा बेटा उठ जा, लग गए उठ जा उठ जा। पहचान लिया, दोनों ने पहचान लिया। हाँ जब तक पति को मारना पड़े औरतों को अकल नहीं आती। हाँ क्यों आई थी तुम लोग दोनों इधर? वो तो बचाने बचाने आए थे। बचाने आई थी कि फंसाने आई थी तुम लोग? किसने बुला रहे तुम लोग यहाँ पे? उसने उसने कहा था सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से खड़ी हो गई। चुप मुझे लगे पता था नहीं चुप कर नहीं कोई तो चुप हो जाती है। आईडिया में मेरे बात सुनी नहीं आ रही बंद कर रहे चले चले। डैड क्या सोच रहे हो? शूट एवरीबॉडी। आ निशा को छोड़ देना, निशा को छोड़ देना। ले निशा से क्या इमोशन है? क्या करें? हाँ हाँ अरे क्या हो रहा है? ओए कंट्री की लाइफ बन गई, टाइम पे पुलिस आ गई जी। ओ ओ ओ शिट नो नो। अरे टुक टुक टोनी, टुक टुक टोनी। पकड़ो इन दोनों को। क्या पकड़ो? क्या रहे हो? पकड़ो साले को। अरे
जिस पत्नी से तुम कम प्रेम करते हो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पापा पापा, मेरी मम्मी बच जाएगी ना? हाँ बेटे। पापा, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों की जाने बच गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप, दोनों की जान कैसे बच सकती है? दोनों बच गई, ये कैसे हो सकता है? अरे कैसे अजीब आदमी आप, आपकी दोनों बीवियां बच गई और आप खुश नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दोनों कैसे बच सकती हैं? अरे हाँ, वाहेगुरु की कृपा हो कि सब कुछ हो सकता है। ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा माँ, मगर स्वामी जी मैं भी ये सोचता यार, क्लाइमेक्स में आके स्वामी जी फ्लॉप कैसे हो सकता है यार? हमने तुमसे कहा था कि जिस पत्नी से तुम कम प्रेम करते हो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम तो दोनों पत्नियों से बराबर का प्रेम करते हो, इसलिए दोनों जीवित है। Yeah, I see.